तीसरे पार्ट में आए हैं कि बुद्धिमान स्त्री के ऊपर। फर्स्ट हमने सीख लिया, सेकंड भी हमने सीख लिया, आज हम थर्ड के ऊपर आए कि थर्ड, हालेलुया, आप लोग निकाल लीजिए, दूसरा राजा उसका चार, हालेलुया, दूसरा राजा उसका चार, आप लोग निकालिए दूसरा राजा की किताब उसका चार। उससे पहले हम परमेश्वर के वचन को शेयर करें फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम में, जितने भी ग्रुप है आप, और उससे पहले मैं वापस से आपको पढ़वाऊंगी नीति वचन 14 उसका एक, हालेलुया, हालेलुया, शंदरी हालेलुया। हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, अपने घर को बनाती है। कौन सी स्त्री बनाएगी? हर बुद्धिमान स्त्री। मैं ये नहीं बोलूंगी मूर्ख स्त्री बनाएगी, झगड़े करने वाली स्त्री बनाएगी, लड़ाई करने वाली स्त्री बनाएगी, जादू टोना करने वाली स्त्री बनाएगी, ईर्ष्या करने वाली स्त्री बनाएगी, जलन करने वाली स्त्री बनाएगी, एक दूसरे में फूट पड़ाने वाली स्त्री बनाएगी। लेकिन किनका घर बना है, किनका घर स्थिर है और किनका घर बनता है? पहला मैंने आपको बताया था रूथ के बारे में, हालेलुया, और दूसरा मैंने आपको अब्राहम और सारा के बारे में बताया था। अब मैं थर्ड आपको बता रही हूँ एलिशा और शुनेम वासी स्त्री के बारे में, हालेलुया। ये थर्ड मेरा चैप्टर है, दूसरा राजा उसका चार, मतलब कौन सी स्त्री अपने घर को बनाएगी, कौन सी स्त्री अपने परिवार को। आज क्यों परिवार टूटते हैं, आज क्यों परिवार में झगड़े हो जाते हैं, आज क्यों पति पत्नी में पटती नहीं है, क्यों बच्चे स्थिर नहीं थे, क्यों बच्चे माता पिता से अलग होकर बाहर चले जाते, क्यों पति पत्नी में तलाक हो जाते, क्यों एक शादी के बाद दूसरी शादी हो जाती? क्योंकि परमेश्वर के वचन में तो लिखा है जिसे परमेश्वर ने जोड़ा उसे कोई भी मनुष्य, उसमें कोई व्यक्ति अलग नहीं कर सकता। तो फिर क्या है, कौन चीज़ें हमको अलग करती है, कौन सी बातें हमको अलग करती है? परमेश्वर ने बोला है फैमिली बनाऊंगा, बच्चे बनाऊंगा, परिवार बनाऊंगा, लोग बनाऊंगा, आस पड़ोस में भी लोग बनाऊंगा, सब कुछ करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। यदि तू विश्वास करेगी तो तू परमेश्वर की महिमा करेगी, यदि तू विश्वास करेगी तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। किसका? बुद्धिमान स्त्री का घराना उद्धार पाएगा, ना कि मूर्ख स्त्री। हालेलुया। दो पैर पे नाव रखने वालों का घर नहीं बनेगा, दो पैर पे पाँव रखने वालों का घर नहीं बनेगा, लेकिन जो लोग परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे, जो लोग परमेश्वर के वचन का पहला स्थान देंगे, जो लोग मनुष्य से ज़्यादा परमेश्वर के वचन का महत्व देंगे, वो लोगों का घर बनेगा, वो लोगों का परिवार बनेगा, वो लोगों के बच्चे स्थिर रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। एक बार और पढ़ना नीति वचन 14 उसका एक, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाएगी। किसको? हमारा घर कौन सा है? हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, हमारा घर चर्च है, हमारा घर प्रार्थना भवन है, हमारा खुद का। तो हम सबसे पहले किसको बनाएंगे? हम सबसे पहले अपने घर को, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को। अब हमारा घर क्या है? हमारा घर जो है वो परमेश्वर का भवन है, हमारा घर जो है परमेश्वर का भवन है, जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति, वहाँ परमेश्वर की, पहला घर तुम्हारा वो है। आज हमें उसी घर में हमें बने रहना है, आज हम उसी घर में बने नहीं रहते, इसलिए आज हमारे परिवार में क्लेश होते, आज हमारे परिवार में झगड़े होते, आज हमारे परिवार में लड़ाई होती, आज दुख होता, आज टेंशन होती है, आज तकलीफ होती है। हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। पहला घर कौन सा है आपका? परमेश्वर का भवन, वो आपका घर है। आपको अपने घर को साफ करना है, क्योंकि परमेश्वर ने क्या बोला, हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो हमें किसको साफ करना है? हमें अपने आप को साफ करना, हमें अपने मंदिर को साफ करना, हमें अपने घर को साफ करना है, क्योंकि हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को, अपने परिवार को, अपने लोगों को, अपने आस पड़ोस के लोगों को बनाएगी। तो आज परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? आज हमें सबसे पहले परमेश्वर के वचन में बने रहना है। तो हम परमेश्वर के घर में बन रहे, जब हम परमेश्वर के घर के अंदर बने रहेंगे, तो परमेश्वर के घर में आप बने रहेंगे तो परमेश्वर आपका घर ऑटोमेटिक बनाएगा। आपका पति चला गया तो पति आ जाएगा, आपकी पत्नी चली गई तो पत्नी आ जाएगी, आपके बच्चे चले गए, जब आप परमेश्वर के घर को बनाएंगे परमेश्वर ऑटोमेटिक आपके घर को बनाएगा। हालेलुया। जो ये स्त्री के बारे में बताती हूँ, एलिशा और शुनेमासी धनी स्त्री, ये कौन सी स्त्री थी? एक धनी स्त्री थी, इसके पास किसी भी वस्तु की कमी नहीं थी, किसी भी चीज की कमी नहीं थी। दूसरा राजा उसका चार उसका आठ से हम पढ़ेंगे। हालेलुया, पढ़िए। एक दिन की बात है कि एलिशा सुनेम को गया, हाँ, जहाँ एक कुलीन स्त्री थी, हाँ, और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। हालेलुया, एक वापस रिपीट करना। एक दिन की बात है कि एलिशा सुनेम को गया जहाँ एक कुलीन स्त्री थी और उसने उसे रोटी खाने के लिए
विनती करके विवश किया, विनती करके विवश किया, क्या करा, विनती करके विवेश करा, उसने क्या करा, उसने फोर्स करा। आज हमारे घर में कभी मैन ऑफ गॉड आते हैं, प्रभु के दास आते हैं, तो हम क्या पूछते, आप खाएंगे क्या, नहीं, उसने फोर्स करा, उसने प्रेशराइज करा कि नहीं आपको, आप यहाँ से जा रहे हो, आप यहाँ से निकल रहे हो, आपको मेरे घर में खाना खाना ही पड़ेगा, आपको घर में मेरे चाय पीने ही पड़ेगी। उसने विवश करा, उसने फोर्स करा। ये क्या थी, ये बुद्धिमान स्त्री पूछ नहीं रही थी। मूर्ख स्त्री पूछती है, मैं आपके लिए रोटी पकाऊं, मैं आपके लिए खाना पकाऊं, आप ये खाएंगे, लेकिन बुद्धिमान स्त्री इसको फोर्स करती है। हालेलुया, हालेलुया। बुद्धिमान स्त्री क्या काम करती है, बुद्धिमान स्त्री अपने घर में किसको बुलाती है, अपने घर में प्रभु के दास को बुलाती है, अपने घर में प्रभु की दासी को बुलाती है, अपने घर में विश्वासी को बुलाती है। क्यों, क्योंकि उसका घर परमेश्वर के वचन से बनना चाहिए, उसका घर परमेश्वर की नींव से बनना चाहिए, उसका घर परमेश्वर के लोगों से बनना चाहिए, उसके घर में परमेश्वर का प्रकाशन होगा, उसके घर में परमेश्वर का वचन होगा, उसके घर में परमेश्वर की संगति होगी, उसके घर में परमेश्वर के लोग होगा। वो अपने घर में किसको बुला रही थी, किसको विवश कर रही थी खाना खाने के लिए, वो अपने घर में प्रभु के दास एलिशा को विवश कर रही थी, फोर्स कर रही थी, प्रेशर कर रही थी, नहीं आपको तो मेरे घर में रोटी खाना ही पड़ेगी, मुझे नहीं पता आपको खाना। हालेलुया, जब हमारे घर में कोई प्रभु का दास आता है, जब हमारे घर में कोई प्रभु की दासी आती, तो हमें पूछना नहीं है आप पानी पियोगे कि नहीं पियोगे, आप खाओगे कि नहीं खाओगे, हमें फोर्स करना है, हमें प्रेशराइज करना है। ये किसको दिखाता है, ये एक आदर को दिखाता है कि हम परमेश्वर के दास का कितना आदर करते हैं। हालेलुया, और हम परमेश्वर के दास का कितना आदर करते हैं, परमेश्वर की दासी का कितना आदर करते, परमेश्वर के लोग का कितना आदर करते, परमेश्वर विश्वास से कितना आदर करते, ये आदर को दिखाती, रिस्पेक्ट को दिखाता है। वो आदर कर रही थी कि उसके घर में प्रभु का दास आया, घर में नहीं उधर से जा रहे थे वो लोग। हालेलुया, वापस से पढ़ना। एक दिन की बात है, हाँ, कि एलिशा सुनेम को गया, एलिशा उस जगह सुनेम को गया जहाँ एक कुलीन स्त्री थी, और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश करा, उसे फोर्स किया। हाँ, अतः जब जब वह उधर से जाता था, तब तब वह वहाँ रोटी खाने को उतरता था, जब जब वो वहाँ से जाता था, तब तब वहाँ पे वो रोटी खाने के लिए उतरता था। हालेलुया, और तब तब वो महिला, वो धनी व्यक्ति, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी, परमेश्वर हर एक का न्याय करता है, ऐसा नहीं कि किसी परमेश्वर ने किसी गरीब का न्याय चुका है तो अमीर का नहीं। परमेश्वर कभी किसी के पक्षपात नहीं करता, परमेश्वर एक परमेश्वर, परमेश्वर सबसे एक जैसा प्रेम, जैसे वो धनी से प्रेम करता है वैसे वो गरीब से ही प्रेम करता है, जैसे वो कंगाल लंगड़े और तुंडों से प्रेम करता है वैसे वो आप और मेरे से ही प्रेम करता है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम एक जैसा है, अलग नहीं है। आज काफ़ी लोग नेचर के वाइज, पैसों के वाइज अलग अलग तरीके से प्रेम अपने अपने ढूंढ लेते, लेकिन परमेश्वर सबके जैसा एक जैसा प्रेम करता है। हालेलुया, क्योंकि वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया, वो बाहर की दृष्टि नहीं देखता, वो अंदर की चीज़ें, वो इस जो धनी व्यक्ति थी, लेडीज थी, उसके अंदर की चीज़, उसका हार्ट सॉफ्ट था, वो धनी थी। हाँ, पढ़िए वही वाला वापस से नीचे का, रोटी खाने के लिए। अतः जब जब वो उधर से जाता, हाँ, तब तब वह वहाँ रोटी खाने को उतरता था। हालेलुया, स्त्री ने क्या किया, इस शुनेमिन स्त्री ने परमेश्वर के दास का आदर किया, परमेश्वर के दास का रिस्पेक्ट किया। आज तो हम, मैंने जहाँ देखा है, जिस सिचुएशन में मैं पली बड़ी हूँ, जिस चर्च में मैं पली बड़ी हूँ और जिस एरिया में पली बड़ी थी, हमारे घर से प्रभु का दास जाता है तो हम पहले ही नॉक कर लेते, पहले ही गेट लगा लेते, अरे हमारे घर में तो नहीं आ जाए, अब हमें उसको बीज देना पड़ेगा, अब हम उसे चाय का पूछना पड़ेगा, अब हम उसे खाना खाना पड़ेगा। हालेलुया, आज हमें प्री तौर पे धनी नहीं बनना है, लेकिन हमें दिल से धनी बनना है। हालेलुया, कैसे, बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। ये स्त्री अपने घर में किसको बुलाई, इसने अपने घर में परमेश्वर के दास को, प्रभु के दास को। बुद्धिमान स्त्री किसी परिवार वालों को नहीं बुलाएगी। काफ़ी लोग मैन ऑफ गॉड को छोड़ के, प्रभु के दास को छोड़ के, रिश्तेदारों को पहला महत्व देते हैं, फिर परेशानी आती, फिर प्रॉब्लम आती, फिर आखिर में कौन याद आता है, परमेश्वर याद आता है, प्रभु का दास याद आता है। तो मैं बोलूँगी, हम वो जब हमारी एरिया से जाता है, आता है, चाहे आपके एरिया से रोज़ जाना पड़े, आप उसका आदर करें, आप उसका रिस्पेक्ट करें, चाहे आपको रोज़ खाना खाने खिलाने का मौका मिला, आप खिलाइए, ये आपको मौका मिला है। हालेलुया, उस साइड में बहुत सारी अमीर लेडी से होएगी, लेकिन ये गिफ्ट उसको नहीं दिया परमेश्वर ने, यही लेडीज़ को दिया। इसका मन शुद्ध था, ये दीन थी, ये नम्र थी, ये दया करने वाली स्त्री थी, ये उधर से आता जाता था। पढ़िए, जब जब वह अतः जब जब वह हाँ उधर से जाता हाँ तब
तब तब वह हाँ वहाँ रोटी खाने को उतरता था। वहाँ रोटी खाने को उतरता था। एलिशा को विश्वास था कि मैं इधर सारे घरों में जाऊंगा, मुझे यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन इस व्यक्ति के, इस धनी लेडीज के घर में जब मैं जाऊंगा तो यहाँ पे मुझे अवश्य रोटी खाने को मिलेगा। वो थका होता होगा, वो मिनिस्ट्री में थक जाता होगा। सोचिए उसको रोटी खाने को वहाँ पे क्यों उतरता था, क्योंकि आज काफ़ी लोग जो है सेवकाई करने के पास पानी नहीं पूछते, खाने का नहीं पूछते। क्यों? वो प्रभु का दास आपके लिए, आपकी चंगाई के लिए आया, आपकी सामर्थ्य के लिए आया, आपके अभिषेक के लिए, आपको चंगा, आपको लाखों का ऑपरेशन कैंसिल कर दिया और आपको चंगा कर दिया। वो इतनी मील दूरी से आया, उस साइड में ना घोड़े होते थे, ना गाड़ियां होती थी, ना कुछ होता, लेकिन वो वहां से आया जाया करता था। और वह स्त्री देखती थी, वो बोलती होगी नहीं यार ये थका मांदा आया, उसके लिए वो खाना बनाती थी। ये धनी व्यक्ति थी, लेकिन ये धनी लेडीज थी, इसके पास नौकर चाकर थे, लेकिन नहीं, ये प्रभु के दास के लिए अपने हाथों से रोटी बनाती थी, अपने हाथों से खाना बनाती थी, क्योंकि मैन ऑफ गॉड का आदर करना, हालेलुया, वो मैन ऑफ गॉड का आदर करी थी, वो प्रभु की दास का आदर। भले वो किसी की केयर करे नहीं करे, लेकिन आज हमें प्रभु की दास के, प्रभु की दासियों का, प्रभु के विश्वास वाले लोग के आदर करना है, रिस्पेक्ट करना है। जब हम ऐसा करेंगे तो लोग हमारा आदर करेंगे, लोग हमारा रिस्पेक्ट करेंगे। हालेलुया। जब वह उधर से जाता, तब वह उधर से जाता, एक बार नहीं कितनी बार गया होगा, तब वो उसके लिए खाना बनाती थी, तब वो उसके लिए पानी पिलाती थी, तब उसके घर में रुकाती थी। हालेलुया। पढ़िए वही वाला, जब वो उधर से जाता, रोटी खाने को उतरता था। हालेलुया। उसको पता था, उसको एलिशा को विश्वास था कि यही लेडी से, इधर जितने भी एरिया में लेडी से वो नहीं खिलाएंगी, लेकिन उसको विश्वास था ये लेडीज मुझे खिलाएगी। हालेलुया। ये गिफ्ट सिर्फ सारी लेडीज को नहीं मिला है, ये गिफ्ट इसको मिला है, क्योंकि ये बुद्धिमान स्त्री है, ये अपने घर को बना रही, और बाकी सारे लोग वहाँ पे अमीर होंगे, लेकिन वो दिल से अमीर नहीं होंगे, वो दिल से गरीब होंगे, वो मूर्ख होंगे। मूर्ख स्त्री अपने घर को तोड़ती, अपने परिवार को तोड़ती। जब उसका पति बोलता है आज हमारे घर में प्रभु का दास आ रहा है, मेरे पास बहुत सारा काम है, आज मैंने काम निकाल के रखा, आज मैंने प्रभु के दास जो आपके घर में आ रहे हैं आप मना कर देते हो, आज मेरे घर में शादी, आज मेरे घर में वो है, मैं बोलूंगी सारे काम को छोड़ के, जब आपके घर में प्रभु के दास आए, चाहे छोटा प्रभु का दास है चाहे बड़ा, अपने सारे काम को छोड़ के प्रभु के दास के आदर में लग जाना, प्रभु के दास की रिस्पेक्ट में लग जाना। हालेलुया। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इस चीज़ में मेरे चर्च बहुत अच्छे हैं, मेरे चर्च के लीडर्स बहुत अच्छे हैं। हालेलुया। बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, वो बहुत कुछ करते हैं इस ये वाली चीज़ में। हालेलुया। हाँ पढ़िए आगे। उस स्त्री ने अपने पति से कहा। क्या? अपने पति से कहा। उस स्त्री ने अपने पति से कहा। हाँ पढ़िए। सुन, हाँ, यह जो बार बार हाँ हमारे यहाँ से होकर जाया करता है, वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। हालेलुया। इसके पहले मैं आपको वापस से बोलूंगी, यही वाला पढ़ना, एट वाला। एक दिन की बात है हाँ कि एलिशा सुनेम को गया हाँ जहाँ एक कुलीन स्त्री थी और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। हालेलुया। उसने फोर्स करा। हाँ, मत्ती 10 उसका 40-42 पढ़ेंगे। उसमें क्या लिखा, उसमें परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, परमेश्वर के दास के बारे में क्या है, परमेश्वर की दासी के बारे में क्या है, परमेश्वर के विश्वास करने वाले लोगों के विषय में वहाँ पे क्या बोलते हैं। हाँ पढ़िए, मत्ती 10 उसका 40। जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। यदि आप परमेश्वर के दास को अपने घर में ग्रहण करते, मतलब आप परमेश्वर को ग्रहण करते, यदि आप परमेश्वर के दास को अपने घर में, अपने परिवार में, अपने फैमिली में ग्रहण नहीं करते, तो सोचिए आप परमेश्वर को भी ग्रहण नहीं करते, क्योंकि जिससे को आपने देखा नहीं है आप उसको कैसे ग्रहण करोगे। जो आपके पास है, जो आपके साथ, आपके आस पड़ोस से गुजर रहा है, आप उसको ग्रहण नहीं करते, तो फिर आप कैसे बोल सकते हो कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, मैं परमेश्वर के लिए ये कर दूंगा, मैं परमेश्वर के लिए। आप कितनी प्रार्थना करो, आप 3 दिन फास्टिंग करो, आप 2 दिन फास्टिंग करो, आप दिन भर प्रार्थना, लेकिन जब आपके घर में आए उसको आदर नहीं मिले, उसको रिस्पेक्ट नहीं करे, आप ऐवी समझो उसको कि हाँ हल्के फल्के मिले, तो क्या आप परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुने? परमेश्वर का दास आपके घर में आ रहा है, और परमेश्वर की दास जब आपके घर में प्रार्थना करके जाएगा, वो आपका प्रतिफल आएगा।
बोली मेरा प्रतिफल आ रहा है, मेरा चमत्कार आ रहा है, मैं बुद्धिमान स्त्री बन रही हूँ, मैं अपना घर बना रही हूँ, मैं अपना परिवार बना रही हूँ। आज से आप कैसे भी करें, आप मूर्ख स्त्री वाला काम कर रहे थे, लेकिन आज से आप बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बना दी। बुद्धिमान स्त्री सबसे पहले प्रार्थना करती, उठ के प्रभु के दास को आदर करती, रिस्पेक्ट करती। हाँ, 10:40 पढ़ना। जो तुम्हें ग्रहण करता, जो तुम्हें, जो परमेश्वर के जन को ग्रहण करता है, वह मुझे ग्रहण करता है। मतलब जो परमेश्वर को जन को ग्रहण करा, मतलब वो परमेश्वर को ग्रहण करा। आगे, और जो मुझे ग्रहण करता, जो मुझे ग्रहण करता है, वह मेरे भेजने वाले मतलब परमेश्वर का दास भेजने वाले को ग्रहण करता है। जो परमेश्वर के दास को ग्रहण करता है वो परमेश्वर को ग्रहण करता है, और जो परमेश्वर के दास को ग्रहण नहीं करता है वो परमेश्वर को भी ग्रहण नहीं करता है। हालेलुया। आगे पढ़िएगा। जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करे वह भविष्यवक्ता का बदला पाएगा। आप प्रॉफिट को प्रॉफिट जानकर, आप अपोस्टल को अपोस्टल जानकर, आप मैन ऑफ गॉड को मैन ऑफ गॉड जानकर ग्रहण करेंगे तो आप उसका बदला पाएंगे। अगर आपके घर में पानी है तो आप एक कटोरा ठंडा पानी पिलाओ, आप स्वयं उसका प्रतिफल पा लेंगे। आप स्वयं जो भी चीज क्यों नहीं हो, आप दुख में हो, आप टेंशन में हो, आप तकलीफ में हो, आप बीमारी में हो, आप समस्या में हो, आप जादू टोने में हो, आप झगड़े में हो, हर एक चीज हट जाएगी, क्योंकि जो कोई मैन ऑफ गॉड को मैन ऑफ गॉड जानकर ग्रहण करे वो उसका बदला पाएगा। पढ़िए वापस से। जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता अगर उसके आपने आपके घर में प्रॉफिट आया, मैन ऑफ गॉड आया, अपोस्टल आया, पास्टर आया, तो आप उसने बोला ये लंगड़ा चंगा होने वाला है, आपके घर में ब्लेस बेबी आने वाला है, तो आपको क्या करना है? आपको रिसीव करना उसकी बातों को। ये नहीं बोलना है ये कैसे होगा, हंसना नहीं है हमको। उसने बोला है आपके घर में चमत्कार आया है, आपके घर में प्रॉफिट आया, आपके घर में मैन ऑफ गॉड आया, आपके घर में अपोस्टल आया, तो आपको रिसीव करना है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ पढ़िए आगे। और वो भविष्यवक्ता का बदला पाएगा। हाँ, वो भविष्यवक्ता का बदला पाएगा, वो प्रॉफिट का बदला पाएगा। हाँ, और जो धर्मी को धर्मी जानकर, जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे वह धर्मी का बदला पाएगा। अगर कोई विश्वास करने वाली बहन है, अगर कोई विश्वास करने वाला भाई है, आप उसका भी रिस्पेक्ट सेम करना है, उसका भी आदर सेम करना है। अगर आप उसका आदर नहीं करते, धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण न करे तो पढ़िए। जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे वह धर्मी का बदला पाएगा। अगर आप धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करें तो आप धर्मी का बदला पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज हमें अपने घर में किसको, मैं बोलूंगी आपको रिश्तेदार को नहीं बुलाना, आपको पड़ोस वाले को नहीं बुलाना, लेकिन सबसे पहले अगर हम अपना घर बनाते हैं तो हमें अपने घर में इनॉग्रेशन के लिए किसको बुलाना है। हमारे घर में शादी हो रही है, शादी में किसको बुलाना है, मैं बोलूंगी प्रभु के दास को, प्रभु की दासी को, और विश्वास करने वाले भाई बहनों को बुलाना है। हालेलुया, हालेलुया। रिश्तेदार आएंगे और चले जाएंगे खाना खा के पानी पी के, लेकिन प्रभु के दास, प्रभु की दासी, प्रभु के विश्वास वाले लोग आपके साथ अंत तक खड़े रहेंगे। हम अपने घर कैसे, आज आपका घर क्यों टूट रहा है, आज बीमारी क्यों है, समस्या क्यों है, आज परिवार क्यों नहीं बन रहे, आप पति पत्नी के झगड़े क्यों, क्योंकि आपने अपने पति पत्नी के रिश्तों में परमेश्वर को नहीं बुलाया, प्रभु के दास को नहीं बुलाया, प्रभु की दासी को नहीं बुलाया, विश्वासी लोगों को नहीं बुलाया। बुद्धिमान इसलिए अपने घर को बुलाती, तो ये अपने घर को कैसे बना रही है, ये अपने घर में प्रभु के दास को पहले क्या किया, पहले यहाँ पे क्या करा उसने, वो उधर से आता जाता था तो उसका क्या, उसका खाने का इंतजाम, उसके लिए खाना बनाती थी, फिर क्या, फिर रोटी पकाती थी। हालेलुया। उस स्त्री ने अपने पति से कहा चलो हम इसके लिए क्या करें, इसके लिए एक घर बनाएं। हालेलुया, हालेलुया। वो एक धनी स्त्री थी, उसे किसी चीज़ की कमी नहीं थी। हालेलुया। आज हम बोलते हैं ना ऐसा कि मेरे पास सब कुछ है, मुझे तो प्रभु ने मुझे क्या दिया, मेरे पास सब कुछ है। हालेलुया। लेकिन मैं बोलूँगी वो धनी थी, वो घमंड कर सकती थी, उसके पास किसी भी चीज़ की नौकर चाकर थे, सब कुछ था, लेकिन फिर भी वो प्रभु के दास का आदर कर रही थी, प्रभु के दास का रिस्पेक्ट। हालेलुया। वो धनी किससे थी, वो धनी दिल से थी। उसका हृदय भी क्या था, अमीर था। उसकी हर एक बात जब वो मुंह खोलती होगी तो वो बुद्धिमान स्त्री कहलाती होगी। आज बुद्धिमान स्त्री कैसे कहलाएंगी, वो बहुत सुंदर दिख रही है, ठीक है, वो बहुत सुंदर कर रही है, उसने अच्छा कपड़ा पहन के रखा, उसने बहुत अच्छी वो, लेकिन जैसे वो मुंह पे वर्ड्स लाएगी, मुंह खोलेगी, आपको पता चल जाएगा कि वो धर्मी है।
हालेलुया, तू अपने बातों ही के कारण धर्मी और तू अपनी बातों ही के कारण निर्दोष पाया जाता है, वचन में लिखा है ऐसा। तो आज हम कौन सी बातें करते हैं, हमें आप बुद्धिमान स्त्री जैसी बातें कर, हमें मैच्योरिटी के लेवल में बात करना, हमें समझदारी वाली बातें करना है, हमें परमेश्वर के वचन में जो लिखा वैसी बात करना है। हालेलुया, काफ़ी स्त्री को मैंने देखा है, बहुत सुंदर है, पढ़ी लिखी है, बहुत बुद्धिमान है, लेकिन जैसे ही मुंह खोलेंगी वैसे ही मूर्ख स्त्री जैसी बात करें। कैसी मूर्ख स्त्री? मूर्ख स्त्री अपने हाथ से अपने परिवार को अपने बच्चों को रोते, लेकिन बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, अपने परिवार को बनाती है, अपने लोगों को बनाती है, अपने बच्चों को। सुबह उठती प्रार्थना, उसका पहला जो डिसीजन होता है, उसके दिन की शुरुआत जो पहली होती है वो परमेश्वर के वचन से होती है, वो संगति से होती है, वो आराधना से होती है। हालेलुया। हाँ, ये वाला पढ़ना, 9 वाला। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, अपने पति से कहा, उसने क्या अपने पति से पूछा, वो चाहती बोलती ये घर की तो पूरी चाबी मेरे हाथ में है, चलो छोड़ दो, मेरे को पति से क्या पूछने की जरूरत है, काफ़ी लोग सोचते मुझे पति से पूछने की ज़रूरत नहीं है, इस घर की मालकिन में, उस घर की हेड में, घर मैं चलाती हूँ भैया, पति को बस कमाना है, बाकी पूरा किचन का सारी चीज़ का इंतज़ाम मुझे करना, मुझे अपने पति से पूछने की ज़रूरत नहीं है, हाँ पास्टर जी आप आ जाओ मेरे घर में ले लो। बाद में क्या होते, परिवार में दंगे हो जाते, परिवार में झगड़े हो जाते, क्यों? उसने यहाँ पर अपने पति का आदर करा, उसने अपने पति से पूछा, क्या पूछा, पढ़िए आगे। सुन, हाँ, यह जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता। आज काफ़ी लोग परेशान हो रहे थे, अरे यार पास्टर जी हमारे घर आ गए, अरे यार प्रभु की दासी मेरे घर आ गए, और इसने मुझे परेशान कर दिया, बार बार हमारे घर आ रहे हैं। हालेलुया, आज आप लोग ये परेशान हो जाते हैं प्रभु के दास के घर आने से, प्रभु की दासी के घर आने से, विश्वास लोग गेट बंद कर लेते हैं जैसे ही मैन ऑफ गॉड गया, लेकिन जैसे ही कोई संसारिकता वाले लोग आए वैसे आपका गेट खुल जाता है। हालेलुया, लेकिन प्रभु के वचन सुनाने के लिए आपके पास आते हैं, वो आपको बचाने के लिए आते हैं, आप नष्ट न हो, आपके परिवार टूटे नहीं। ये अच्छी बात है कि प्रभु के दास के कदम आपके घर में पड़े, आपके परिवार में पड़े, ये कितनी अच्छी बात है। हालेलुया, जब मेरे घर में प्रभु के दास लोग आते, जब मेरे घर में कुछ विश्वास करने वाले लोग आते, तो मैं बहुत खुश होती हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ कि कुछ विश्वासी मेरे घर पर आए, कुछ लोग मेरे घर पर आए, कितनी अच्छी बात है। हमारा घर जो है प्रार्थनाओं से भरा होना चाहिए, चहल पहल होना चाहिए घर में, क्यों? क्योंकि प्रार्थना करने वाले लोग आए, संगति करने वाले लोग आए। हालेलुया, ये कितनी अच्छी बात है। हाँ पढ़िए आगे, वही वाला वापस से 9 से। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, पति से पूछा उसने, हालेलुया, ये क्या है, ये आज्ञाकारी, वो पति के अधीन थी, वो आज्ञाकारी थी, ऐसा नहीं है नहीं आ जाओ आप, उसने बोला नहीं चलो ये तो मेरी इच्छा है, लेकिन मैं अपने पति से भी पूछूँ। हालेलुया, हालेलुया, जहाँ कहीं दो लोग एक मन होंगे तो ही उनका घर बनेगा ना। पत्नी अलग राय बोल रही कि मैन ऑफ गॉड को बुला, पति मना कर रहा है, तो फिर क्या होगा, उनका परिवार टूटेगा। लेकिन यहाँ पे अपने पति से पूछा, आपको कुछ भी किसी को घर में बुलाना है, चाहे वो मैन ऑफ गॉड हो, चाहे वो प्रभु का दास हो, लेकिन आपका पति और आपकी पत्नी का सहमति होना चाहिए। ये तो बोला पति बोल रहा नहीं, पत्नी बोल रही हाँ, तो इससे क्या होएगा, आप दोनों का रिश्ता ब्रेक हो जाएगा, आप दोनों का रिश्ता टूट जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, आज हमें, हाँ पढ़िए आगे। उस स्त्री ने अपने पति से कहा सुन यह जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त, मतलब कोई प्रभु का दास जान पड़ता है। अब उसको कैसे मालूम पड़ा कि ये पवित्र जन है और ये प्रभु का दास है और ये भक्त है परमेश्वर का? जब वो उसके लिए खाना बनाती थी तो वो उसको कैरेक्टर को देखती थी, उसके स्वभाव को देखती थी, उसके नेचर को देखती थी, उसका उठना बैठना देखती थी, उसके चाल चलन को देखती थी, उसको बैठने को देखती थी। हालेलुया, आज कितने सारे लोग विश्वास करते, आज कितने लोग सारे लोग मसीह में और कितने सारे लोग मैन ऑफ गॉड है, प्रभु की दास है, लेकिन फिर भी वो कैरेक्टर में नहीं रहते। प्रभु की दास होने के बाद, प्रभु की दासी होने के बाद कंटिन्यू फोन पे बात करते। बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, जब उसका पति घर में रहेगा तो वो अपने पति की क्या करेगी, हेल्प करेगी, अपने पति की मदद करेगी, दोनों साथ में प्रार्थना करेंगे। लेकिन आज क्या होता है, हालेलुया, पढ़िए वापस से। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, हाँ सुन यह जो बार बार हाँ हमारे यहाँ से होकर जाया करता है, नहीं वो ही नीचे वाला,
वो मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जब उसकी वो टेबल लगती थी, मेज लगती थी, तो वो उसके खाने के स्टाइल को देखती थी, वो उसकी बातों को देखती थी, वो उसका उठना बैठने को देखती थी। हालेलुया, उसने परमेश्वर का वचन नहीं सुना, उसने उसके घर में आके अभी तक परमेश्वर का वचन नहीं सुनाया, उसने संगति नहीं करी, उसने प्रार्थना नहीं करी, उसने कुछ भी नहीं करी। उसने क्या देखा? हम मसीह की पत्री है, लोग हमें पढ़ते हैं, पहले वचन को नहीं लेकिन पहले लोग हमें पढ़ते। आज हमारा कैरेक्टर कैसा है? आज हमारा स्वभाव कैसा है? क्या हमारा उठना बैठना मसीह जैसा है? क्या हमारा नेचर मसीह जैसा है? हालेलुया, आज हमारे कैरेक्टर में दम होना चाहिए, आज हमारे स्वभाव में दम होना चाहिए, आज हमारे नेचर में दम होना चाहिए। क्योंकि बुद्धिमान स्त्री अपने घर को, अपने परिवार को बनाती है। वो कैसे बनाएगी? जब किचन में जाते वक्त अपने स्वभाव को परमेश्वर के वचन से, खाना बनाते वक्त वो पवित्र आत्मा की अगुवाई करेगी, कपड़े धोते वक्त पवित्र आत्मा की अगुवाई करेगी, बच्चे को निलाते वक्त पवित्र आत्मा की अगुवाई करेगी, हर एक बातों में वो पवित्र आत्मा से पूछेगी। जब उसने ये मैन ऑफ गॉड को बुलाएगा तो उसने पवित्र आत्मा से पूछा होगा, फिर उसने अपने पति से पूछा होगा। हालेलुया, वो मैन ऑफ गॉड के हर एक नेचर का क्या देख रही थी? उसके खाने का एटीट्यूड कैसा था, उसकी बात करने का एटीट्यूड कैसा था। हालेलुया, ऐसा तो नहीं यार ये मेरे घर में आता है, खाना खाता है, ये लड़कियों से बात करने लग जाता है, ऐसा नेचर तो नहीं है। हम मसीह की पत्री है, लोग हमें पढ़ते, पहले वचन नहीं, वो पहले आपके कपड़ों को पढ़ते, पहले आपके ड्रेसिंग स्टाइल को पढ़ते, आप कैसी बात करें, आप क्या शेयर करें, आप अपने टाइमलाइन में कैसे, आप कितने भी विश्वास कर रहे, बोल रहे हाँ मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ, मैं प्रभु का काम करना चाहता हूँ, लेकिन लोग आपकी टाइमलाइन में जाके देखते हैं क्या आप सच्ची में परमेश्वर पर विश्वास करते, सच्ची में आपको परमेश्वर काम करना है। हालेलुया, हालेलुया। वो क्या करती थी? वो देखती थी हर एक बातों को कि क्या मैं इसको अपने घर में रखूंगी। हालेलुया, ये सही व्यक्ति है कि नहीं, सच्ची में प्रभु का दास है। उसने हर एक चीज़ नोट करी, पहले वो आता जाता था। हालेलुया, फिर परमेश्वर ने उसके अंदर दया डाली, फिर पवित्र आत्मा ने उसको बोला कि देख। हाँ पढ़िए आगे। वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। वो मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। एलिशा क्या था? एलिशा प्रॉफिट था, एलिशा भविष्यवक्ता था, वो प्रभु का दास था और सही पहचाना था। ये चीज़ उसको कैसे पता चली कि ये परमेश्वर का पवित्र भक्त? क्योंकि ये उसको पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर ने डाली कि ये परमेश्वर का भक्त है, इसका आदर कर, इसका रिस्पेक्ट कर। क्योंकि ये जो लेडीज थी, ये प्रार्थना में रहने वाली व्यक्ति थी, ये संगति में रहने वाली व्यक्ति थी। जो अविश्वासी लोग होंगे, जो परमेश्वर के लोग होंगे, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन बुद्धिमान जो स्त्री होती है वो अपने घर को, वो अपने परिवार को और वो अपने लोगों को बनाती है। अब वो कैसे बनाएगी? उसने पहला अपने घर में परमेश्वर के भक्त को बुलाया, विश्वासी लोगों को बुलाया, उसने किसको? उसने मैन ऑफ गॉड को बुलाया। हालेलुया, फिर उसने क्या करा? स्त्री ने अपने पति से पूछा, उसने अपने पति की आज्ञा में रही, उसके पति ने उसको हां बोला और बोला ये परमेश्वर का मुझे कोई पवित्र भक्त जान। ये यहां से प्रचार करके आना जाना, वहां पे उस टाइम पे ना बैल होती थी, ना गाड़ी होती थी, कुछ भी नहीं, लेकिन वो सुसमाचार शेयर के लिए पैदल पैदल जाना पड़ता था। तो उसको दया आ गई, वो दुख में हो गई कि नहीं यार देखो परमेश्वर का प्रॉफिट है, परमेश्वर भविष्यवक्ता है, क्या ये पैदल आ रहा है जा रहा है, लेकिन मैं क्या करूँ उसके लिए? पवित्र आत्मा ने बोला अगर तू धनी है, मैंने तेरे को धनी क्यों बनाया? आज परमेश्वर ने हमको धनी क्यों बनाया है? परमेश्वर ने उससे बोला आज मैंने तुझे धनी क्यों बनाया? मैंने तेरे को धनी इसलिए बनाया कि तू एलिशा की हेल्प करे, तू मैन ऑफ गॉड की हेल्प करे, तू प्रॉफिट की हेल्प करे। यहाँ पे आगे हम वचन पढ़ेंगे, 10 पढ़ना। हम भीत पर एक छोटी उपरोठी कोठरी बनाए, हाँ, और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवट रखे। हालेलुया, उसने क्या अपने घर में उसके लिए एक रूम बनाना चाहा। हालेलुया, परमेश्वर ने इसको क्यों धनी? वो दिल से धनी थी, वो हाईली ब्लेस्ड थी, वो सुपर ब्लेस्ड थी, वो आशीषित थी, वो बुद्धिमान थी, वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रही थी। एक बुद्धिमान जो स्त्री होती है वो अपने घर को बनाती थी और अपने घर में पवित्र जन को, परमेश्वर के भक्त को वो रखना चाहती थी। हालेलुया, वापस से पढ़ना धीमे धीमे। हम भीत पर एक छोटी उपरोठी कोठरी बनाए और उसमें उसके लिए एक खाट, उसके लिए एक खाट, एक खाट, एक खाट मतलब खटिया, एक
रूम तो बनाया बनाया, उन्होंने एक बेड भी बनाया उसके लिए, ये तो काफ़ी लोग रूम बना लेते हैं, हाँ प्रभु का दास है हम तो पलंग पे सोएंगे आप लोग नीचे सो, नहीं वो बुद्धिमान स्थिति थी कि प्रभु का दास थके मान जाएगा वो कैसे सोएगा, उसकी उसकी चिंता हो गई, उसकी केयर हुई उसको कि नहीं चलो मैं उसके लिए एक खाट, हाँ खाट, एक मेज एक कुर्सी और एक दीवट रखे, ये सारी चीजें, हालेलुया शंदरीखा ले लिया बला बराबर खाट, टेबल, लैंप, ये सब बनाया उसने, हालेलुया, चेयर, ये सारी चीज बनाई किसने, एलिशा ने उसको बोला तो मेरे लिए ये कर, एलिशा ने उसको नहीं बोला, मैन ऑफ गॉड कभी नहीं बोलती, प्रभु की दास कभी नहीं बोलेंगे, हालेलुया, वापस से पढ़िएगा धीमे धीमे, हम भीत पर एक छोटी उपरोटी कोठरी बनाए, हाँ, और उसमें उसके लिए, हाँ, एक खाट एक मेज एक कुर्सी और एक दीवट रखे और जब जब वह, हाँ, हमारे यहाँ आए, हाँ, तब तब उसी में टिका करे, जब जब वो वहाँ सेवा करके आए, जब वो प्रभु का काम करके आए, जब वो चमत्कार करके आए, जब वो मिरेकल करके आए, तो वो थक जाएगा, अब वो कब तक आना जाना लगा, हम इसके लिए एक रूम बना लेते, क्या बुद्धिमान स्त्री ऐसा सोचती है, बुद्धिमान स्त्री बड़ी चीज़ें सोचती है, बुद्धिमान स्त्री के मन में प्रभु के दास के बारे में सोचती है, प्रभु के दासी के बारे में, ना कि संसार के लोगों के बारे में, ना कि संसार की चीज़ों में, ना कि संसार की अभिलाषाओं में, यहाँ पे बुद्धिमान स्त्री किसके बारे में सोच रही थी, प्रभु के बारे में, वो सोच रही होगी कि प्रभु का दास मेरे घर में होगा तो ये कितना आशीषित होगा, कितना आशीष का कारण होगा, प्रभु के दास मेरे घर में रहेगा, उसके कदम मेरे पाँव पे बढ़ोंगे, हालेलुया, वो एक वचन क्या ही सुहावने हैं वो पैर जो सुसमाचार लेके हमारे घर में आते हैं, हालेलुया, उसके घर में उसने अपने घर में क्या रखा, एलिशा के लिए एक रूम बना दिया, टेबल बना दी, लाइट, सब कुछ जो चाहिए था उसने, है ना, एक अच्छा होटल टाइप में उसका रूम बनाया, हालेलुया, उसने क्या करा, अब एक अच्छा होटल टाइप में उसका रूम बनाया, शंदरीखा ले लिया बला बरा बला, उसने एक अच्छा होटल बनाया, हालेलुया, शंदरीखा ले लिया, वापस से पढ़िएगा नीचे का, और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवट रखी, उसने उसका रहने का इंतजाम करा, वो सोच रही होगी कि बार बार इसको कहाँ आना जाना पड़ता था, आओ जाओ, लेकिन उसने उसके रूम में क्या करा, उसने रूम में उसके लिए हर एक बेस्ट, जो होटल में बेस्ट होता है, एक लग्जरी घर बनाया उसके लिए, एक रूम, उसके पास इतना नहीं होएगा, लेकिन उसने प्रॉफिट के लिए, उसने मैन ऑफ गॉड के लिए, उसने प्रभु की दास के लिए एक बेस्ट किया, जो उससे हो सका उसने बेस्ट करा, हालेलुया, जब आप प्रभु के दास के लिए ये करते हो ना, तो आप प्रतिफल आएगा, नीचे जब हम लाइन में पढ़ेंगे, आगे जाएंगे, वैसे वैसे प्रतिफल आएगा, हालेलुया, हाँ, जब जब वो वहाँ आए, वहाँ टिका रहे, जब जब वो वहाँ पे आए, वहीं टिका रहे, वहीं रेस्ट करे, हालेलुया, उसको चिंता हो गई, ये बहन क्या थी, ये दयालु, दया करने वाली थी, ये कृपा करने वाली थी, वो सोचती होगी कि मैं प्रभु के दास के लिए घर बनाऊंगी, अपने घर में अगर अपना घर बनाते हो ना, तो एक रूम, एक हॉल जरूर बनाए, क्यों, जब कोई मैन ऑफ गॉड, जब प्रभु के दास आपके घर में आए, वो सेवा करके, हो सके वो थोड़ी देर आपको बोले हम बैठते हैं यहाँ पे, तो वो आपके घर में रेस्ट कर ले, वो आपके लिए आदर की बात होगी, वो आपके लिए सौभाग्य है कि वो आपके घर में आए, उन्होंने आपको बोला, हालेलुया, कितनी अच्छी बात है, हमारे घर में फिर कभी क्लेश नहीं होएगा, हमारे घर में फिर कभी बीमारी नहीं होगी, हमारी पत्नी छोड़ के नहीं जाएगी, हमारा पति छोड़ के नहीं जाएगा, हमारे बच्चे छोड़ के नहीं जाएगा, हमारा गर्व कभी नहीं गिरेगा, हमें कैंसर कभी अटैक नहीं करेगा, हमें जादू टोना कभी नहीं होगा, हमें स्पिरिट कभी अटैक नहीं करेगी, कोई हमारे घर में शैतान की चाल नहीं आएगी, क्योंकि प्रभु के दास के कदम, प्रभु के दासी के कदम आपके लिए ये अच्छी बात होगी, हालेलुया, हाँ आगे पढ़िए, एक दिन की बात है, हाँ, कि वह वहां जाकर, हाँ, उस उपरोटी कोठरी में टिका, हाँ, और उसी में लेट गया, एक दिन की बात है, जब वहां से वह जाकर, जहां पे उसने उसके लिए रूम बनाया था, वहां पे लेट गया और वहां पे टिका, उसी में लेट गया, पढ़ी वापस से, एक दिन की बात है, हाँ, कि वह वहां जाकर, हम्म, उस उपरोटी कोठरी में टिका, हाँ,
और उसी में लेट गया और उसने अपने सेवक गेजी से कहा, उस सुनेमिन को बुला ले। नहीं बस इतना। देखो हम लोग मसीह है, लेकिन आज हमें मसीह जैसा नहीं बन पा रहे हैं। हालेलुया। आप पढ़िएगा उसके लिए फिलिपियो 2:25-2:5 शंदरी का। हम लोग मसीह है लेकिन हम मसीह जैसा नहीं बन पा रहे। ये जो बहन है, ये जो लेडीज है, वो कैसे काम करी? यहाँ पढ़िए। जैसा मसीह का, मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव, हमारा भी नेचर हो, हमारा भी कैरेक्टर हो, हमारा भी चाल चलन हो। आज हमें कैसे नेचर में एंटर करना है? आज हम अगर हम मसीह यीशु का स्वभाव हो तो हम परमेश्वर के दास को अंदर बुलाएंगे, परमेश्वर की दासी को अंदर बुलाएंगे, हम परमेश्वर को पहला स्थान देंगे और परमेश्वर के नेचर जैसा। आज हम किसी मनुष्य कॉपी नहीं करेंगे, लेकिन आज हम हर एक कॉपी जो करेंगे वो परमेश्वर को कॉपी करेंगे। पढ़िए फिलिपी 2:25-2:5 जैसा मसीह यीशु का स्वभाव है वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव, तुम्हारा भी नेचर जैसे परमेश्वर का नेचर है, आज हमारा भी वैसा ही नेचर है। आज आप इसको लेके प्रार्थना करें। अगर आपका ऐसा नेचर नहीं है तो आप इस वचन को लेके प्रार्थना करें, जैसा परमेश्वर तेरा स्वभाव है, जैसा परमेश्वर तेरा नेचर है, आज मेरा नेचर भी वैसा, मेरा मन ते को भाने वाला हो, मेरा दिल ते को भाने वाला। मैं जैसा विश्वास करती हूँ किसी मनुष्य को नहीं, लेकिन ते को चले मेरा विश्वास, मेरा विश्वास बढ़े, मेरा विश्वास ग्रो हो। मैं परीक्षा में, कंडीशन में, समस्या में बहकर हूँ, लेकिन ये बोलूँ यीशु मसीह मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। वो खुद चमत्कार है और वो चमत्कार मेरे अंदर डालेगा। हालेलुया। आपके घर में चमत्कार होगा, आपके घर में रिवाइवल आएगा, आपके घर में समस्या जाएगी, क्योंकि बुद्धिमान स्त्री है, जो मैच्योर लेडीज होती है, जो समझदार व्यक्ति होती है, जो समझदार स्त्री होती है, वो क्या करती? वो अपने घर को बनाती, वो अपने परिवार को बनाती, वो अपने लोगों को बनाती। वो कैसे बनाएगी? वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, संगति के द्वारा। और अपने घर में किसको बुलाएगी? व्यभिचारिणी स्त्री को बुलाएगी, झगड़ा करने वाली स्त्री को बुलाएगी, जो सास बहू में झगड़ा करा दे, जो पति पत्नी में झगड़ा करा दे। ऐसे लोगों को आप अपने घर में बुलाते हो तो आपके घर में झगड़ा होंगे, लेकिन जब आप अपने घर में प्रभु के दास को, मैन ऑफ गॉड को, प्रॉफिट को, अपोस्टल को, विश्वासी लोगों को बुलाएंगे, मैं बोलूंगी बीमारी जाएगी, झगड़े जाएंगे, दुर्बलता जाएगी, कमजोरी जाएगी, समस्या जाएगी, क्योंकि आपके घर में किसके कदम पड़े? आपके घर में प्रभु के दास के, आपके घर में प्रभु की दासी के कदम बढ़े, फिर झगड़े जाएंगे, फिर कोई समस्या नहीं होगी, फिर कोई बीमारी नहीं होगी, फिर कोई दुर्बलता नहीं होगी, फिर कोई कमजोरी नहीं होगी, क्योंकि आपने अपने घर में संसार के लोगों को नहीं, लेकिन आपने अपने घर में प्रभु के दास को, प्रभु की दासी को, क्योंकि बुद्धिमान स्त्री जो है वो अपने घर में प्रभु के दास को बुलाती, प्रभु की दासी को बुलाती, प्रभु के विश्वास करने वाले लोगों को बुलाती। बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती, वो समझदार है, उसको पता है अगर संसार के लोग आएंगे तो मेरे सासू माँ के मन में बुराई डालेंगे, गलत बात डालेंगे। हालेलुया। अगर संसार के लोग आएंगे, पति पत्नी में झगड़े डालेंगे, विचार में डालेंगे, कुछ बोलेंगे, तेरी पत्नी तो ऐसी है, तेरी पत्नी तो वैसी है। हालेलुया। लेकिन जब प्रभु के दास आएंगे तो वो आपको क्या करेंगे? प्रभु की दास आएंगे, वो क्या करेंगे? वो आपको इंकरेज करेंगे। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। अगर आपके पास आज बेबी नहीं हो तो क्या हुआ? लेकिन वो बोलेंगे आने वाले 1 साल में बेबी होएगा। हालेलुया। आज आपकी मदर इन लॉ से पट नहीं तो क्या हुआ? आने वाले सालों में। लेकिन जो संसार के लोग आएंगे वो क्या 2 का 4 बोल के जाएंगे, 4 का 6 बोल के जाएंगे। अगर बोलेंगे बेबी नहीं हो सकता तो बोलेंगे बांझे, इसको छोड़ दे, दूसरी मैरिज कर दे। हालेलुया। सासू माँ में नहीं पट रही तो वो बोलेंगे तो अपनी सासू माँ को छोड़ दे, तो दूसरी जगह शिफ्ट हो जा। संसार के लोग अच्छा ऐसा बोलेंगे, लेकिन जो प्रभु के दास आपके घर में आएंगे, प्रभु की दासी आएंगे, बोलेंगे ये कंडीशन हट जाएगी। आज हमारे कदम इस घर पे बढ़े ना, अपने प्रॉफिट को प्रॉफिट जाना ना, अपने मैन ऑफ गॉड को मैन ऑफ गॉड जाना ना। हालेलुया। तब क्या होगा? आज हमें कैसे लोगों को अपने घर में बुलाना है? क्योंकि बुद्धिमान स्त्री अपने घर में बुद्धिमान लोगों को बुलाती है। और बुद्धिमान लोग कौन है? जो परमेश्वर विश्वास करते हैं। हालेलुया। नेगेटिव कन्फेस नहीं करते हैं, बांझ को बांझ नहीं बोलते, श्रापित लोगों को श्रापित नहीं बोलते, झगड़ा करने वालों को झगड़ा करने नहीं बोलते। आज ये नेचर है तो क्या हुआ? कल तो चेंज होगा, वो आपको इंकरेज करेंगे, वो आपको बढ़ाएंगे। आज आप प्रार्थना नहीं कर सकते तो क्या हुआ? आने वाले दिनों प्रार्थना करेंगे। आज आप वचन नहीं पढ़ सकते तो क्या हुआ? आने वाले दिन वचन पढ़ेंगे। आज आप संगति नहीं कर सकते क्या हुआ? आने वाले दिनों में संगति करेंगे। आज शैतान ने आपको अटैक करा है तो कंटिन्यू प्रॉब्लम तो ना रहेगी, हट जाएगी, दूर हो जाएगी। लेकिन बाकी लोग, अगर आपको स्प्रिट आ रही, आपको शैतान ने अटैक करा, वो दूर
भागेंगे संसार के लोग, आपके साथ जो खड़े रहेंगे वो मैन ऑफ गॉड है। आज आपको अपने घर में प्रभु के दास को, प्रभु की दासी को, विश्वासी लोगों को बुलाना है। हालेलुया। हाँ पढ़िए आगे। और उसने अपने सेवक गेहजी से कहा, उस सुनेमिन को बुला ले। स्टार्टिंग से बोलना 11। एक दिन की बात है, एक दिन की बात है कि वह वहां जाकर, कि वह वहां जाकर उस उपरोठी कोठरी में टिका, हाँ, और उसी में लेट गया। उसी में लेट गया। उसके जो उसने घर बनाया था, उसके लिए जो रूम बनाया था, उसमें क्या हुआ, जब वो मिनिस्ट्री करके आया, जो प्रचार करके आया, उसने रेस्ट किया। अब वो रेस्ट किया, फिर क्या हुआ, वो टिक गया वहाँ पे, लेट गया, कुछ देर के लिए सोचने लगा, रिलैक्स हो गया। वो थका मांदा पहले आता था तो वो हबड़ हबड़ करके दूसरी जगह जाता था, लेकिन अब क्या हुआ, अब वो उसको रेस्ट मिला। किसके? वो बहन के द्वारा, वो एक अमीर ब्लेस बहन के द्वारा। वो बहन दयालु थी, कृपालु थी, दया करने वाली, मदद करने वाली थी। हाँ आगे पढ़ना। और उसने अपने सेवक, और उसने अपने सेवक गेहजी से कहा, गेहजी से कहा, उस सुनेमिन को बुला ले, उस सुनेमिन स्त्री को बुला ले, जो स्त्री ने उसकी मदद करी, जो स्त्री ने उसकी हेल्प करी, जो स्त्री ने उसके लिए खाना बनाया, रोटी बनाई, उसकी मदद करी, उसको घर में ठहराया, अपनी पति से पूछ के सब कुछ करा, तो उस स्त्री को बुला ले। हाँ आगे। उसके बुलाने से, हाँ, वह उसके सामने खड़ी हुई। उसके बुलाने से उसके सामने खड़ी हुई। उसको ये नहीं बोला, आती हूँ, आ रही हूँ, ये मेरा घर है, मैं कभी भी आऊंगी, मैंने बोला ना आपको ऊपर रहना है भैया, ऐसा नहीं करा उसने। उसने बुलाया, वो हाजिर हो गई। उसने ये बोला, आ रही हूँ, आती हूँ, अभी मैं काम कर रही हूँ, नहीं। उसके पास नौकर चाकर थे, वो बोल सकती, जाओ पूछ के आओ क्या बोल रहे है, एलिशा जी क्या बोल रहे है, वो पास्टर जो मैंने उनको ऊपर ठहराया ना, वो क्या बोल रहे हैं, पूछ के तो आना। ऐसा नहीं, उसके पास नौकर चौकर थे, नौकर चाकर थे, वो अमीर थी, वो ब्लेस्ड थी, सब कुछ था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन नहीं, वो अपने नौकरों को नहीं बोली, वो खुद गई मैन ऑफ गॉड के पास और खड़ी हो गई। ये खड़े होना किसको दिखाता, आदर को दिखाता है। हालेलुया। हाँ आगे। तब उसने गेहजी से कहा, हाँ, इससे कह, हाँ, कि तूने हमारे लिए, हाँ, ऐसी बड़ी चिंता की है। तूने हमारे लिए, जब आप मैन ऑफ गॉड के लिए कुछ करते, आप प्रॉफिट के लिए कुछ करते, आप अपोस्टल के लिए कुछ करते, आप विश्वासी लोगों के लिए करते, तो पवित्र आत्मा उनके मन में आपके लिए चिंता डालता है। हालेलुया, हालेलुया। आप प्रेयर रिक्वेस्ट डालोगे तभी प्रार्थना होगी। आप ऐसी प्रार्थना करो, आप ऐसा कुछ करो कि परमेश्वर आपके प्रॉफिट के लिए, आपके अपोस्टल के मन में आपके लिए दया, तूने मेरे लिए ऐसी बड़ी चिंता करी है। हाँ आगे। तो तेरे लिए क्या किया जाए, तेरे लिए क्या किया जाए, एक मिनट। और उसने सेवक गेहजी को बुला, उसने बुलाने से वह उसके सामने खड़ी हुई। हाँ तेरा पढ़ना। तब उसने गेहजी से कहा, तब उसने गेहजी से कहा, इससे कह, इससे कहे कि तूने हमारे लिए, तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता, ऐसी बड़ी चिंता। उसने एक रूप बनाया उस समय में, कब, जब अकाल चल रहा था वहां पे, तब ऐसा करा, वहां पे अकाल चल रहा था, अकाल के समय में ऐसा करा उसने। हाँ तो तेरे लिए क्या किया जाए, तेरे लिए क्या किया जाए, क्या तेरी चर्चा राजा, तेरे लिए क्या किया जाए, तू मुझे बता। उसने बोला, उसने कुछ भी नहीं बोला, उसके कुछ भी रिक्वेस्ट, उसने कुछ भी प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं डाली, उसने कुछ भी नहीं बोला। हालेलुया। जो परमेश्वर ने उसके अंदर गिफ्ट डाला था वो उसने दे दिया, जो परमेश्वर ने उसको ब्लेस बनाया था। आज परमेश्वर ने हमें अमीर इसलिए नहीं बनाया कि हम अपनी सारी चीज़ें अपनी ज़रूरत में इस्तेमाल करें। आज परमेश्वर ने ब्लेस इसलिए बनाया कि हम मैन ऑफ गॉड को, हम अपोस्टल को, हम विश्वासी भाई को, बहन की हेल्प करें, क्योंकि हम हाईली ब्लेस हो। आज आप लोगों के जीवन में एक कमी हो सकती है। इस विधवा, इस बहन के जीवन में एक कमी थी, क्या थी ये, बांझ थी, बच्चे नहीं थे इसको। हाँ पढ़िए आगे, वही वाला पढ़ना। तब उसने गेहजी से कहा, हाँ, इससे कह, हाँ, कि तूने हमारे लिए, तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता करी है। कितनी बड़ी चिंता, उसने खाना, एक खाना देना, रोटी देना तो नॉर्मल बात है, लेकिन उसने उसके घर में उसके लिए एक रूम बना दिया है। कितनी बड़ी चिंता करी है। हालेलुया। हाँ आगे। तो तेरे लिए क्या, तेरे लिए क्या किया जाए, तू बता हम तेरे लिए क्या करें। हालेलुया। तू बता हम तेरे लिए क्या करें। वहाँ पे एलिशा ऐसा पूछ रहा है उसके लिए। हाँ आगे। क्या तेरी चर्चा राजा, क्या तेरी चर्चा राजा या प्रधान सेनापति से की जाए, प्रधान सेनापति से की जाए। उसने बोला, नहीं, मैं मेरे लोगों में ही अच्छी। पढ़ी आगे। उसने उत्तर दिया, उसने उत्तर दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती, मैं तो अपने ही लोगों में, अपने ही इलाके में, को इधर ही अच्छा लगता, मैं इधर ही रहती। उसने कुछ भी नहीं बोला और वो वहाँ से चली गई। क्या हुआ, वो वहाँ से चली गई, मैं इधर ही रहती हूँ, और उसने कुछ भी नहीं बोला, तू मेरे लिए ये कर, तू मेरे लिए वो कर। हालेलुया। उसने इतना सारा वो कुछ
मैन ऑफ गॉड के लिए करा, तो वो बोल सकती कि तू मेरे लिए ये करना, तू मेरे लिए वो करना, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बोला। लेकिन परमेश्वर के दास के सेवक के द्वारा परमेश्वर ने बताया कि इसको क्या चीज़ की ज़रूरत है। उसने नहीं बोला कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे वो चीज़ चाहिए, ना एलिशा ने उससे बोला था कि तू मेरे लिए रूम बना, तू मेरे लिए ये कर, लेकिन नहीं, परमेश्वर का पवित्र आत्मा ने डाला एलिशा गहजी के मन में। देखो पढ़िए आगे, वही वाला पढ़ना पहले, चिंता किए। तो उसने गहजी से कहा, हाँ, इससे कह, हाँ, कि तूने हमारे लिए, हाँ, ऐसी बड़ी चिंता की है, तो तेरे लिए क्या किया जाए, तेरे लिए क्या किया जाए, क्या करें हम तेरे लिए। हाँ आगे, क्या तेरी चर्चा राजा या प्रधान सेनापति से की जाए। हाँ आगे, उसने उत्तर दिया मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ। आगे फिर उसने कहा तो इसके लिए क्या किया जाए। एलिशा सोचने लगा, अब मैं इसके लिए क्या करूँ, इसने हमारे लिए इतनी सारी चीज करी है, अब मैं इसके लिए क्या करूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता इसके लिए, सोचिए। फिर उसके सेवक ने क्या कहा, आगे पूछिए। गहजी ने उत्तर दिया निश्चय उसका कोई लड़का नहीं, उसका कोई बच्चा नहीं, क्योंकि उसका पति भी बूढ़ा और वो भी बूढ़ी, उसका कोई भी नहीं है। हालेलुया, क्या किसके मन में डाला, उसने नहीं बोला कि मेरा बच्चा नहीं है। हालेलुया, विश्वास करने के बाद में, प्रभु के वचन में चलने के बाद में, मैन ऑफ गॉड को घर में लाने के बाद में भी उसने ये नहीं बोला कि आज अभी मुझे बच्चे नहीं है, मैं बांझ हूँ, मुझे बच्चा नहीं हो सकता। उसने ऐसा कुछ भी नहीं बोला, उसने ऐसी कुछ भी प्रेयर नहीं डाली, लेकिन वो प्रभु के दास की हेल्प करती गई। ये नहीं था कि उसको बच्चे चाहिए इसलिए उसने हेल्प करी, या वो निराश होगी इसलिए हेल्प करी, उसने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। लेकिन गहजी के मन में उसकी सेवा कर, हाँ पढ़िए आगे। गहजी ने उत्तर दिया निश्चय उसका कोई बच्चा नहीं, उसका कोई भी लड़का नहीं, उसका कोई भी संतान नहीं, क्योंकि वो बांझ है ना, उसका पति बूढ़ा है, अब कैसे बच्चा होगा उसको, उन दोनों को। हालेलुया, फिर क्या हुआ, एलिशा ने फिर क्या कहा, हाँ पढ़िए। और उसका पति बूढ़ा है, उसने कहा उसको बुला ले। देखो दूसरी बार एलिशा ने बुलाया, लेकिन फिर भी वो दूसरी बार भी आई, दूसरी बार भी वो आज्ञाकारी रही। पहली बार में भी हमें आज्ञाकारी रहना है और दूसरी बार में भी हमको आज्ञाकारी रहना है, जब हम प्रभु के दास के लिए, जब हम प्रॉफिट के लिए, जब हम मैन ऑफ गॉड के लिए करते हैं। क्योंकि बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, वो बुद्धि की बातें बोलती है, वो नेगेटिव बातें नहीं बोली कि देख मैंने तेरे लिए इतना करा, अब तू मेरे लिए ये कर, मुझे बच्चे नहीं होते, मैंने देखो इसलिए अपने घर में ठहराया कि तू दिन रात मेरे लिए प्रार्थना कर, मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना कर, मेरे पति के लिए प्रार्थना कर, मेरा पति बूढ़ा है, मैं बूढ़ी हूँ और तू जवान है। लेकिन उसने ऐसा नहीं बोला, उसने कोई प्रेयर नहीं दी, कोई प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं डाली, उसने तो परमेश्वर के जन के लिए प्यार से, आदर से उसके घर में हर एक बात मानती थी, हर एक रिक्वेस्ट फॉलो करती थी। हालेलुया, वो जब बुलाता था वो उस घर की हेड थी, एलिशा नहीं था, लेकिन एलिशा उसको बुलाता और वो आती थी। वो ये नहीं बोलती मैं अभी नहीं आ सकती, काम कर रही हूँ, नहीं, अभी दूसरी बार एलिशा ने बुलाया, हाँ पढ़िए। उसने कहा उसको बुला ले। और जब उसने उसे बुलाया तब वह द्वार में खड़ी हुई थी। हालेलुया, दूसरी बार भी बैठी नहीं, खड़ी थी वो। वो उसका घर था, उसके खुद का घर था, वो बैठ सकती थी, वो लेट सकती थी, वो जैसे चाहे बैठ सकती, लेकिन नहीं, वो क्या कर रही थी, मैन ऑफ गॉड का आदर कर रही थी। क्या कर रही थी वो मैन ऑफ गॉड का, बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, कैसे, प्रभु के दास के द्वारा। हाँ आगे, तब उसने कहा वसंत ऋतु में, हाँ, दिन पूरे होने पर, हाँ, एक बेटा छाती से लगाएगी। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। आज कितने लोगों को बच्चे नहीं हो रहे, आज कितने लोग बांझ है, तो आज आप अपनी बातों के कारण धर्मी ठहरेंगे, आप अपनी बातों के कारण निर्दोष ठहरेंगे। आज बुद्धिमान स्त्री अपने घर को कैसे बनाती है, यहाँ पे आपको अपना पहला स्थान किसको, परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के दास को, परमेश्वर की दासी को, आप अपने दिल में, उसने अपने हार्ट में, उसने अपने घर में किसको जगह दी, उस दास के लिए जगह तैयार करी, वो वैन ऑफ गॉड के लिए, प्रॉफिट
अपोस्टेट के लिए, अपोस्टेट के लिए उसने जगह तैयार करी। जब उसने अपने घर में परमेश्वर के दास के लिए जगह तैयार करी तो परमेश्वर भी चुप नहीं बैठेगा, पवित्र आत्मा भी चुप नहीं बैठेगा, परमेश्वर भी आपके जीवन में काम करेगा। जब परमेश्वर के दास के लिए, परमेश्वर की दासी के लिए ऐसा करेंगे, बुद्धिमान स्त्री अपने घर को कैसे बनाएगी? उसकी लाइफ सुनसान पड़ी थी, उसको बच्चे नहीं थे, उसकी लाइफ में प्रेयर थी, प्रार्थना थी, लेकिन एक चीज की कमी थी, उसको बच्चे नहीं थे क्योंकि वो दोनों बूढ़े थे। उसने क्या बोला? वसंत ऋतु के समय तू एक बेटा छाती से लगाएगी। हाँ, आगे पढ़िए। स्त्री ने कहा हे मेरे प्रभु, हे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा मत दे, क्योंकि वो तो बूढ़ी हो चुकी है ना। आज हम भी ऐसा बोलते, कुछ समय के लिए हमारा भी परिस्थिति, कंडीशन, समस्या ऐसी आती कि हम ऐसी बातें करते हैं। हाँ, आगे। स्त्री को गर्भ रहा, क्या हुआ? अपनी दासी को धोखा मत दे। हालेलुया, ऐसी बात मत बोल, ये तो हो ही नहीं सकता, मैं बूढ़ी हूँ, मेरा पति बूढ़ा है। उसने बोला तू अगले ही साल क्या करेगी? अपने बेटे को दूध पिलाएगी। आज कितनी बहनें हैं, आज कितने भाई हैं, वो पिता की आशीष लेंगे, वो माता की आशीष लेंगे। आप बहुत जल्द अपने बेटे को, अपनी बेटी को दूध पिलाएंगे। शायद आपका गर्भ गिर गया है, शायद डॉक्टर ने कुछ भी बोल दिया है, शायद लोगों ने कुछ भी बोल दिया है, लेकिन यहाँ पर जो एलिशा ने बात बोली है वो मैं बोल रही हूँ। मैं प्रोफेसी कर रही हूँ आपके लिए, आप बहुत जल्द इसी महीने के अंदर और सालों के अंदर, इसी एक साल के अंदर, आप अपने बेटी को, आप अपने बेटे को क्या करेंगे? दूध पिलाएंगे। यीशु मसीह के नाम से रिसीव करें। हालेलुया। आज आप विश्वास करेंगे तो आज आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। यदि आज आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की महिमा, उसके घर में कोई नहीं था। हालेलुया। एलिशा तो अभी अभी आया जाया करता, उसके घर में कोई नहीं था, उसके घर में बच्चे भी नहीं थे, उसने फिर भी कोई कंप्लेन नहीं करी। हालेलुया। उसने क्या, एक साल बाद अपने बेटे को छाती से लगाया, दूध पिलाया। मैन ऑफ गॉड की बात उसने हल्की नहीं ली। फिर उसने एक साल बाद उसको बेटा हुआ और फिर उसने छाती से लगाया। हालेलुया। हाँ, पढ़िए आगे। स्त्री को गर्भ रहा और वसंत ऋतु का जो समय एलिशा ने उससे कहा था, उसी समय जब दिन पूरे हुए तब उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। जब पूरे दिन हो गए, जब एलिशा ने जो बोला था कि ये समय पे आपका बच्चा होगा, वो समय पे बच्चा हो गया। आप रिसीव करें, परमेश्वर ने जो ये बोला है, बुद्धिमान स्त्री ने ये बात को रिसीव करा और उसी समय, उससे कोई नेगेटिव बातें नहीं बोली, कुछ समय के लिए बोली, लेकिन फिर जैसे परमेश्वर के दास ने उसको बोला, उसने बात मानी, उसने उसको रिसीव करा, फिर क्या हुआ? उसको पूरे दिन हो गए और उसको बच्चा हुआ। हालेलुया। फिर क्या हुआ? आगे पढ़िए 18। जब लड़का बड़ा हो गया उसका। हालेलुया। हाँ, तब एक दिन वो अपने पिता के पास लौने वालों के निकट निकल गया। हाँ, और उसने अपने पिता से कहा, आह मेरा सिर। तब पिता ने अपने सेवक से कहा, इसको उसकी माता के पास ले जा कि उसकी तबीयत खराब हो रही है, वो बीमार हो रहा है, उसको उसकी माता के पास ले जा। वो अपनी माता के पास चला। यहाँ पढ़िए आगे। वो उसे उठाकर उसकी माता के पास ले गया। फिर वो दोपहर तक उसके घुटनों पर बैठा रहा। दोपहर तक उसके घुटनों पर बैठा रहा। तब वो मर गया। क्या हो गया वो बेटा मर गया। लेकिन जो परमेश्वर के दास के द्वारा जो बच्चा होता है, वो कभी मर नहीं सकता। वो चमत्कार उनके घर में आना था, वो मिरेकल उनके घर में आना, एलिशा के द्वारा, मैन ऑफ गॉड के द्वारा, क्योंकि क्या हुआ था? हाँ, पढ़िए आगे। तब उसने चढ़कर उसको परमेश्वर के भक्त की खाट पर लेटा दिया। जहाँ परमेश्वर का भक्त की अनॉइंटिंग होएगी, जब परमेश्वर के भक्त की सामर्थ होएगी, वहाँ पर उसने लेटा दिया। लेकिन क्या हुआ? और निकलकर द्वार बंद किया। हाँ, तब उतर गई। हाँ, तब उसने अपने पति से पुकार कर कहा मेरे पास एक सेवक और एक गधी तुरंत भेज दे। एक सेवक और एक गधी तुरंत भेज दे।
कि मैं परमेश्वर के भक्त के यहाँ हाँ झटपट हो जाऊं, परमेश्वर के झटपट जाऊं। उसने ये नहीं सोचा कि मेरा बेटा मर गया है तो चलो मैं अपने रिश्तेदारों को बुलाती हूँ, अब उसको गाड़ने की, उसने गाड़ने की तैयारी नहीं करी। उसको विश्वास था कि परमेश्वर के दास के द्वारा, मैन ऑफ गॉड के द्वारा मिरेकल होएगा, मैन ऑफ गॉड के द्वारा चमत्कार होगा। उसका विश्वास संसार के लोगों पर नहीं था, उसका विश्वास मैन ऑफ गॉड के ऊपर था कि अगर वो मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना करेगा तो वो जिंदा होगा। आज हमारा विश्वास डॉक्टर के पास है, डॉक्टर के ऊपर, आज हमारा विश्वास पुलिस वालों के ऊपर है, आज हमारा विश्वास इंजीनियरिंग के पास है, आज हमारा विश्वास हॉस्पिटल में है, आज हम दरवाजा किसका खटखटाने, आज हम हॉस्पिटल्स का दरवाजा खटखटाना। लेकिन ये तो बुद्धिमान स्त्री थी ना, इसको अपने घर को बनाना, उसको पता था जब अगर ये हॉस्पिटल जैसे, लेकिन उस समय में हॉस्पिटल होता होगा या नहीं होता होगा, लेकिन जैसा भी दाइया टाइप में हॉस्पिटल था वहाँ पे होता होगा। तो लोग आजकल हॉस्पिटल जाते तो क्या बोलते, ये मर गया है। वो दो नेगेटिव बातें से बचने के लिए वो किसके पास लेके जाने वाली थी, वो एलिशा के पास, वो मैन ऑफ गॉड के पास, वो प्रॉफिट के पास लेके जा रही थी। किसको? बच्चे को। हालेलुया, बच्चे को लेके। उसका विश्वास हॉस्पिटल पे नहीं था, उसका विश्वास हॉस्पिटल पे नहीं था। वो बोलती चलो रिश्तेदार आ जाओ, मेरा बच्चा मर गया है, वो गांडे भी नहीं ले गई। उसका विश्वास, आज हमारे घर में ऐसी कंडीशन हो जाती है तो हम रोने लगते हैं, हम समस्या है। लेकिन देखो इसका विश्वास को बुद्धिमान स्त्री अपने घर को, अपने परिवार को, अपने लोगों को कैसे बनाती है, कैसे बनाती है। पढ़ू या वापस से? तब उसने अपने पति को पुकार कर कहा, मेरे पास एक सेवक और एक गधी तुरंत भेज दे कि मैं परमेश्वर के भक्त के यहाँ हाँ झटपट हो आऊं। जल्दी से होके आ जाओ, उसको विश्वास है, झटपट होके आ जाऊं और बच्चा जिंदा लेके आ जाऊं। हाँ आगे उसने कहा, हाँ आज तू उसके यहाँ क्यों जाएगी। हाँ उसके बाद वाला पढ़ना 24। तब उस स्त्री ने हाँ गधी पर काठी बांधकर हाँ अपने सेवक से कहा, हाँ हाँके चल और मेरे कहे बिना हाँकने में ढिलाई न करना, देरी ना करना, जल्दी चलो, देरी ना करो। हाँ तो वह चलते चलते हाँ कर्मेल पर्वत को परमेश्वर के भक्त के निकट पहुंची। परमेश्वर के भक्त के निकट पहुंची, बस वो पहुंचने वाली है। हाँ आगे पढ़िए। उसे दूर से देखकर हाँ परमेश्वर के भक्त ने, उसने दूर से पहचान लिया कि ये वही लेडीज है, ये वही स्त्री है जिसने मेरी हेल्प की थी, जिसने मेरी मदद करी थी। तब उसने अपने घेजी, अपने सेवा करने वाले व्यक्ति को, हाँ पढ़िए, उसे दूर से देखकर हाँ परमेश्वर के भक्त ने हाँ अपने सेवक गेहजी से कहा, हाँ देख हाँ उधर तो वह सुनेमिन है, उधर तो वह सुनेमिन स्त्री है जिसने मेरी हेल्प की थी, जिसने मेरी मदद करी, जिसने मुझे घर में ठिकाना दिलाया था, जिसने मुझे खाना खिलाया था, जिसने मेरे को जरूरत के समय हेल्प करी, सब कुछ करा था। ये तो वो स्त्री है, जा इससे पूछ, इसको किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। इसका पति तो ठीक है, इसके बच्चे तो ठीक है, ये खुद तो ठीक है। हाँ पढ़िए। अब उससे मिलने को दौड़ जा, और उससे पूछ कि तू कुशल से है, तू ठीक तो है, तू अच्छी तो है, तू ब्लेस तो है, तू आशीषित तो है, तू भली चंगी तो है। हाँ तेरा पति भी कुशल से है, तेरा पति अच्छा तो है, और लड़का भी कुशल से, फिर उसने क्या जवाब दिया? आप जवाब पे ध्यान दीजिएगा। ऐसी कंडीशन में, ऐसी परिस्थिति में उसने क्या बोला? अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन होती है तो हम क्या बोलते? दिख नहीं रहा हमारे बच्चे को ऐसा हो रहा, दिख नहीं रहा हमारे बच्चे को सर्दी हो रही, दिख नहीं रहा हमारे बच्चे को समस्या हो रही है, जल्दी से प्रार्थना कर दो, जल्दी से ये कर दो, जल्दी से वो कर दो। उसने क्या जवाब दिया आप जरूर देखिए। हाँ पढ़िए वापस से, पूरा पढ़िए वही। अब उससे मिलने को दौड़, और उससे पूछ कि तू कुशल से है, तेरा पति भी कुशल, और लड़का भी कुशल से है। पूछने पर स्त्री ने उत्तर दिया हाँ कुशल से है। उसका बेटा मर गया था, वो घर से दूर आ चुकी थी, फिर भी उसने क्या बोला? सब कुशल से, मैं भी ठीक हूँ, मेरा बच्चा भी ठीक है और मेरा पति भी ठीक है। उसके विश्वास को देखो, बुद्धिमान स्त्री नेगेटिव बातें नहीं करती, वो अपने घर को बनाती, वो अपने परिवार को बनाती, वो अपने लोगों को बनाती, वो अपने बच्चे को बनाती। उसने बोला मेरा बच्चा ठीक है, उसने बोला मेरा पति ठीक है, उसने बोला मैं ठीक हूँ। वो दुख में थी, वो समस्या में थी, वो टेंशन में, उसका बच्चा मर गया था, उसका बच्ची रोगी था, फिर भी क्या बोला उसने? मैं ठीक हूँ, मैं कुशल से हूँ। आज कितने लोग ऐसी बात करते हैं। आज हमें बुद्धिमान बातें करना है, बुद्धिमान जैसी बातें करना है, क्योंकि बुद्धिमान स्त्री अपने घर को, अपने परिवार को बनाती है। वो अपने परिवार को बनाने आई थी,
चली गई, लोगों की राय नहीं ली, लेकिन वो कहां आ रही थी? वो मैन ऑफ गॉड के पास आ रही थी, वो प्रभु के दास के पास आ रही थी। हालेलुया! ऐसी कंडीशन में, ऐसी समस्या में वो किसके पास आ रही थी? उसका बेटा मर गया, फिर क्या बोली वो? मैं ठीक हूँ, मैं कुशल से हूँ। ये कितनी बड़ी बात है! एक बुद्धिमान स्त्री जो होती है वही ऐसी बात करती, एक विश्वास करने वाली स्त्री है वही ऐसी बात कर सकती है। हालेलुया! कौन ऐसी बात करेगा? एक बुद्धिमान स्त्री जो होगी वही ऐसी बात कर, ठीक नहीं था? चेहरे पे उदासी दिख रही थी, चेहरे पे समस्या थी, आंसू टपक रहे होंगे, रो रही होगी, बच्चा मर गया, बच्चा हाथ में और वो रो रही होगी, फिर भी क्या बोल रही? मैं ठीक हूँ, मैं अच्छी हूँ। उसके विश्वास को देखो, आज हमें उससे सीखने मिलता है, आज हमें भी ऐसा विश्वास करना है, आज हमें भी ऐसी स्त्री करना है। उसने वो ब्लेस थी, वो डॉक्टर के पास जा सकती थी उस समय में, जो एक बड़ा शहर था वो वहाँ जा सकती थी, लेकिन नहीं, वो अपने बच्चे को लेके कहाँ आई? वो अपने बच्चे को लेके परमेश्वर के दास के पास आई। वही वाला पढ़ी वापस से। तेरा पति भी कुशल से है, हाँ, और लड़का भी कुशल से है, हाँ। पूछने पर स्त्री ने उत्तर दिया, हाँ हाँ कुशल से है, हाँ कुशल से है। आगे, वो पहाड़ पर परमेश्वर के भक्त के पास पहुंची और उसके पांव पकड़ने लगी। एक मिनट, कौन सा पढ़ा? 27। ठीक है, 26 पढ़िए। अब उससे मिलने को दौड़ जा, हाँ, और उससे पूछ कि तू कुशल से है, तू कुशल से है, हाँ, तेरा पति भी कुशल से है, हाँ, और लड़का भी कुशल से है, हाँ। पूछने पर स्त्री ने उत्तर दिया, हाँ कुशल से, हाँ है। कुशल से है, हाँ ब्लेस है, हाँ अच्छे, बच्चा भी अच्छा है, लड़का भी अच्छा है, पति भी अच्छा है, लेकिन उसका चेहरा बता रहा था। हालेलुया! एलिशा ने कैसे पहचाना है वो दुखी है? पढ़िए आगे। वह पहाड़ पर परमेश्वर के भक्त के पास पहुंची, परमेश्वर के भक्त के पास। देखो, वो पहाड़ पर एक बच्चे को लेके पहाड़ पर चढ़ने लगी। उस वक्त गाड़ी नहीं थी, उस वक्त टांगा नहीं था, उस वक्त स्कूटी नहीं थी, उस वक्त कार नहीं थी, उस वक्त बैलगाड़ी भी नहीं थी। क्या बैलगाड़ी तो होगी, और बहुत सारी चीज़ें नहीं थी। पहाड़ पर बैलगाड़ी तो नहीं चल सकती। हालेलुया! हाँ पढ़िए आगे। और उसके पाँव पकड़ने लगी। तब गेहजी उसके पास गया कि उसे धक्का देकर हटाए। उसको हटाने लगा, वो हट जाए यहाँ से। परमेश्वर के दास के पास आई, उसको धिक्कारने लगा, उसको हटाने लगा। तब एलिशा क्या बोलता है? हाँ, परंतु परमेश्वर के भक्त ने परमेश्वर के मैन ऑफ गॉड ने, परमेश्वर के प्रॉफिट ने क्या कहा? उसे छोड़ दे। उसका मन व्याकुल है। उसका मन उदास है, वो खुश नहीं है, वो आनंदित नहीं है, वो दुख में है, वो टेंशन में है, वो तकलीफ में है, वो समस्या में है, वो सोच रही होगी मेरा बेटा चंगा होगा कि नहीं होगा, मेरा बच्चा तो मर गया, वो जिंदा होगा कि नहीं होगा। वो बोल तो विश्वास वाली बातें रही थी, लेकिन अंदर विचारों में बहुत सारे काम डेविल शैतान कर रहा होगा। वो बुद्धिमान की बात तो बोलती होगी, लेकिन उसका बेटा मर गया था। आज जब हमारी लाइफ में मरी हुई परिस्थिति हो जाती है, तो हमारी कंडीशन कैसी होती है? जब हमारे घर में बच्चा मर गया, जब हमारे घर में पत्नी मर गई, हमारे घर में जब ऐसी समस्या होती है, तो हम क्या बोलते हैं? परमेश्वर तूने मेरे साथ ऐसा किया। हम परमेश्वर ब्लेम लगाते हैं। परमेश्वर तूने मेरी ही पत्नी को लेना था, तूने मेरे ही बच्चे को लेना था, तूने मेरी ही पत्नी को, मेरे पति को, मेरे बच्चे को, मेरी परिवार में से किसी को लेना था। हम ब्लेम लगाते, हम कोसते। उसने परमेश्वर को ऐसा कुछ नहीं बोला, दोष नहीं लगाया। उसने हर बात में क्या बोला? मैं कुशल से हूँ, मैं अच्छी हूँ, मैं ब्लेस हूँ। लेकिन यहाँ पे वो प्रार्थना कराने के लिए गेहजी इनकार करने लगा, छट करने, मना करे नहीं। लेकिन उसने एलिशा जान गया, जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, जो परमेश्वर की प्रेजेंस में रहते हैं, जो होली स्पिरिट की अगुवाई में रहते हैं, जो पवित्र आत्मा, वो पहचान गया कि इसका मन व्याकुल है, इसका मन उदास है, ये खुश नहीं है, ये मुझे पहले जैसी नहीं दिख रही, इसका पहले जैसा जीवन नहीं दिख रहा, ये कुछ तो हुआ है इसके लिए, इसमें कुछ तो हुआ है, कुछ तो गया है, कुछ तो अधूरापन लग रहा है। हालेलुया! तब क्या हुआ? हाँ पढ़िए वही वाला पसे। वो पहाड़ पर परमेश्वर के भक्त के पास पहुंची, हाँ, और उसके पांव पकड़ने लगी, हाँ, तब गेहजी उसके पांव पकड़ने लगी। ये नहीं बोला आप हमारे आओ, खड़ी होगी डायरेक्ट, प्रार्थना कर दे, झुकी। उसने अपने आप को दीन करा, वो पांव पकड़ी, झुक गई, ऐसे पूरी झुक गई नीचे, और क्या करा? अपने आप को दीन करा, अपने आप को नम्र करा, अपने आप को डाउन करा। उसने किसके लिए? अपने बच्चे के लिए, अपने बेटे के लिए।
हालेलुया। हाँ पढ़िए। तब गेहजी उसके पास गया कि उसे धक्का देकर हटाए परंतु परमेश्वर के भक्त ने कहा, हाँ उसे छोड़ दे, छोड़ दो उसको, मत सता, उसका मन व्याकुल है। हाँ पढ़िए। उसका मन व्याकुल है, हाँ, परंतु यहोवा ने हाँ मुझको नहीं बताया, हाँ छिपा ही रखा। हालेलुया। हाँ आगे। तब वो कहने लगी क्या मैंने अपने प्रभु से पुत्र का वर मांगा था क्या मैंने न कहा था मुझे धोखा ना दे। हालेलुया। ऐसी कंडीशन में, ऐसी समस्या में वो थोड़े टाइम के लिए क्या हो गई, निराश हो गई। अब मेरा बच्चा कितना बड़ा हो गया, अब मैं इसको कैसे लेके जाऊंगी। बड़ा हो गया, वो तो बड़ा हो गया था ना, खेल रहा था, कूद रहा था, मस्ती कर रहा था, सब कुछ कर रहा था, लेकिन फिर भी वो निराश हो गई। यीशु मसीह भी व्याकुल हुआ था आत्मा में। यीशु मसीह भी एक समय आया था कि वो भी इमोशनल हो गया था। हालेलुया। वैसे ये स्त्री भी क्या हुई, दुखी हो गई कुछ मिनटों के लिए। ये जो चीज़ है ना, एक मिनट क्या, दो मिनट के लिए ठीक है, लेकिन ये चीज़ कंटिन्यू ठीक नहीं। हम कंटिन्यू इमोशनल हो रहे, हम कंटिन्यू वचन नहीं पढ़ रहे, हम कंटिन्यू प्रार्थना नहीं कर रहे, लेकिन ये कुछ समय के लिए थी, कुछ समय के लिए ठीक है, लेकिन हर समय के लिए ठीक नहीं है। हाँ पढ़िए। तब वह कहने लगी, क्या मैंने अपने प्रभु के पुत्र से पुत्र तो कहने लगी हाँ क्या मैंने अपने प्रभु से हाँ पुत्र का वर मांगा था हाँ क्या मैंने न कहा था हाँ मुझे धोखा ना दे। उसने बोला था क्या मुझे धोखा ना दे। हाँ आगे। तब एलिशा ने गेहजी से कहा अपनी कमर बांध और मेरी छड़ी हाथ में लेकर चला जा। मार्ग में यदि कोई तुझे मिले तो उसका कुशल मत पूछना। उसका बेटे का पहले इंतजाम करना, उसके बेटे को पहले चंगा करना, उसके बेटे को पहले हील करना, उसके बेटे को पहले स्वस्थ करना। हालेलुया। हाँ। और कोई तेरा कुशल पूछे तो उसको उत्तर ना देना। हाँ आगे। और मेरी है छड़ी, ये मेरी छड़ी उस लड़के के मुंह पर रख देना। ये छड़ी जो उसने उसको आज्ञा दी, छड़ी लड़के के मुंह पर रख देना, उसने ऐसा बोला। हालेलुया। हाँ पर आगे। तब लड़के की माँ ने हाँ एलिशा से कहा हाँ यहोवा के हाँ और तेरे जीवन की शपथ, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी क्योंकि तू परमेश्वर का दास है, तू परमेश्वर का प्रॉफिट है, तू कभी झूठ नहीं बोलता, तू कभी निंदा नहीं करता, तू कभी गाली नहीं बोलता। मैं विश्वास करती हूँ, मैं डॉक्टर से ज्यादा, मैं हॉस्पिटल से ज्यादा, मैं नर्स से ज्यादा, मैं इंजीनियर से ज्यादा, मैं संसार के लोगों से ज्यादा तुझ पर विश्वास करती हूँ, प्रॉफिट पर विश्वास करती हूँ, परमेश्वर के दास विश्वास करती हूँ, परमेश्वर की दासी विश्वास करती हूँ, क्योंकि तू कभी झूठ नहीं बोलता। अगर तूने बोला है तो तू मिरेकल करेगा, अगर तूने बोला है तो तू चमत्कार करेगा, तू अगर हमारे घर में आया तो मिरेकल होगा, तू हमारे घर में आया तो चमत्कार होगा, तू हमारे घर में आया लेकिन कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। आज आपके घर में कुछ ना कुछ तो जरूर हो रहा है, आज आपके घर में मिरेकल हो रहा है, आज आपके घर में कुछ हो रहा है। आप अपने हाथों को ऊपर उठाइए, अपने हाथों पे। अगर आज आपकी मरी हुई परिस्थिति हो गई है, आज अगर आपकी मरी हुई परिस्थिति है, आज आप मर गए, आज आप प्रार्थना नहीं कर रहे, वचन नहीं पढ़ रहे, संगत नहीं कर रहे, आज आपकी हर आप निराश हो गए, आप व्याकुल हो गए, अपने हाथों को ऊंचा उठाइए, अपने हाथों को ऊंचा उठाइए, अपने मनों को तैयार करें। आज परमेश्वर आपको हील करने जा रहा है, आज परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, आज परमेश्वर की ज्योति, आज परमेश्वर का रिवाइवल आपके जीवन में आ रहा है। आज आप वचन सुनते सुनते ब्लेस होंगे, आप वचन सुनते सुनते आशीषित हो जाएंगे। आज परमेश्वर आपके घर में चमत्कार आ रहा है। बोलिए मेरा चमत्कार आ रहा है, बोलिए आ रहा है मेरा चमत्कार आ रहा है, बोलिए मेरा चमत्कार आ रहा है, मेरी हारे खोई हुई चीजें आ रही है। मेरा बेटा मर गया था लेकिन परमेश्वर वापस से मुझे ब्लेस करेगा, परमेश्वर वापस से मुझे गर्व की आशीष देगा। शायद आपके 2 बच्चे मर गए, शायद आपके 3 बच्चे मर गए, लेकिन परमेश्वर फिर भी आपको बच्चा दे रहा है, परमेश्वर भी बच्चा दे रहा है। इसी में अपने हाथों को ऐसे उठाइए, अपने हाथों को, अपने आप को डाउन करें। इसने अपने आप को डाउन किया था, ये परमेश्वर के दास के पैर में झुकी थी, अब इसके घर में चमत्कार आ रहा है। बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, अपने परिवार को, वो किसी लोगों के आगे नहीं झुकती, वो परमेश्वर के दास के आगे झुकेगी, परमेश्वर के लोगों के आगे झुकेगी, परमेश्वर के आगे। हालेलुया। हाँ पढ़िए। तब लड़के की माँ ने एलिशा से कहा हाँ
यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे न छोड़ूंगी। इसलिए वह उठकर उसके पीछे पीछे चला, उसको साथ लेके गई वहां पे। उनसे पहले पहुंचकर गेहजी ने छड़ी उस लड़के के मुंह पर रखा परंतु कोई शब्द न सुन पड़ा, कोई हलचल नहीं हुई। हालेलुया। लेकिन अनॉइंटेड पर्सन कौन था? मैन ऑफ गॉड कौन था? प्रभु का दास कौन था? पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने वाला कौन था? वो था एलिशा। एलिशा से परमेश्वर बातें करता था। हालेलुया। हाँ आगे। उसमें कोई हरकत हुई, हाँ, तब वह एलिशा से मिलने को लौट आया, हाँ, और उसको बतला दिया, लड़का नहीं जागा। अब उसकी उम्मीद पूरी खत्म हो गई। वो सोच रही होगी अब मेरा लड़का नहीं जिंदा हो, अब वो मेरा लड़का मर गया। अब वो टेंशन में, अब दुख में, तकलीफ में, फिर भी अपने मुंह से उसने कोई भी, अय्यूब की किताब में लिखा है मूर्ख स्त्री जैसी बातें नहीं करना हमें, उसने मूर्ख स्त्री जैसी कुछ भी बातें नहीं करी, उसने निंदा की बातें कुछ भी नहीं करी, उसने ये नहीं बोला चलो हम इधर ले जाते। आज जब चर्च से कुछ काम नहीं होता है तो आज हम बोलते हैं इधर ले जाओ, उधर ले जाओ, बाबा के पास ले जाओ, इधर भी जाओ, उधर भी जाओ। हमें आज दो नावों पे पैर नहीं रखना है, आज हमें सिर्फ परमेश्वर के वचन में, ये जो बहन थी, ये जो लेडीज थी, वो परमेश्वर के वचन में अड़ी रही, वो परमेश्वर के वचन में खड़ी रही। चाहे दुख आए, चाहे टेंशन आए, चाहे तकलीफ आए, चाहे बीमारी आए, चाहे समस्या आए, चाहे कितने भी प्रॉब्लम क्यों नहीं है, उसका बच्चा मर गया, फिर भी उसने परमेश्वर के दास को नहीं छोड़ा। मतलब परमेश्वर के दास को नहीं छोड़ना, मतलब परमेश्वर के वचन को नहीं छोड़ना। हालेलुया। मतलब अपने घर को नहीं टूटने से बचाना। अगर परमेश्वर के दास को छोड़ देती तो अपना उसका घर टूट जाता, उसका परिवार खत्म हो जाता। वो अपने घर को बनाना जानती थी कि मेरा घर कैसे बनेगा। मेरा घर परमेश्वर के दास, मतलब प्रार्थना का घर, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। लेकिन आज काफी लोगों ने उन्हें डाकू की खो, डाकू की खो क्या है, हॉस्पिटल से आज हम हॉस्पिटल का दरवाजा खटखटाते। हालेलुया। वो जानती थी कि पहला प्रार्थना का घर मेरा, मेरे लिए क्या है, वही प्रभु का दास। हमें उनसे प्रार्थना कराना है, हमें उनसे वचन सुनना है, हमें उनसे संगति करना है। देखो वो बदला पा रही थी, वो बदला पाने वाली थी, चमत्कार होने वाला। चमत्कार एक दिन नहीं होएगा, दो दिन नहीं होएगा, लेकिन परमेश्वर को टेस्ट करता है, परमेश्वर को चेक करता है कि आप बने हुए हैं। आप दिख तो रहे हैं बुद्धिमान, आप दिख तो रहे हैं स्पिरिचुअल, आप बाहर इससे बहुत स्पिरिचुअल दिख रहे हो। क्या जब आप अपने घर में बंद कोठरी में रहते हैं, जब मोबाइल चलाते हो तो आप क्या चीज़ देखते हो, आप क्या चीज़ खोलते हो, तब आपकी स्पिरिचुअलिटी परमेश्वर देखता है गुप्त में। आप कितनी प्रार्थना करते हो, चाहे आप बोल सकते कि हम प्रार्थना करें, हम वचन पढ़ रहे, लेकिन आप कैरेक्टर नहीं रख रहे। प्रार्थना करने के बाद झगड़ा, प्रार्थना करने के बाद लड़ाई, प्रार्थना करने के बाद गाली, प्रार्थना करने के बाद बुराई, प्रार्थना करने का निंदा, तब परमेश्वर देखता है गुप्त में। क्या ये जैसा बोल रही है कि मैं बहुत प्रार्थना करती हूं, मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मुझे बहुत वचन है, मुझे बहुत प्रकाशन है, तो क्या इसका जीवन ऐसा है? क्या ये ऐसा कर रही है? तब वो आपके घर में चमत्कार करेगा, तब वो आपके घर में मिरेकल करेगा। हालेलुया। परमेश्वर टेस्ट कर रहा था उस लेडीज का, क्या इसने किसी लालच के कारण तो अपने घर में नहीं ठहराया था? परमेश्वर देख रहा था, उसको कोई लालच नहीं था, उसको कुछ नहीं था। लेकिन बुद्धिमान, अगर वो मैन ऑफ गॉड पे विश्वास नहीं करती, बोले आपसे चंगा नहीं हुआ, हमारा काम नहीं हुआ भाई, हम चंगे नहीं हुए, हम नहीं, अब मैं नहीं आती, उसके दास से नहीं हुआ। आज काफ़ी लोग हैं कि प्रार्थना नहीं हो पाती तो क्या बोलते, अब हम चर्च नहीं आएंगे, हमारा काम नहीं हुआ। परमेश्वर देखता है, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, पाँच दिन, कितने दिन लगे होंगे, वो कहाँ रहती थी और वो कहाँ आई, फिर वहां से वो लोग उसके घर गए। हालेलुया। कोई हरकत नहीं हुई, तब वह एलिशा से पढ़िए। जब एलिशा घर में आया, हाँ नहीं वही वाला, तब वो एलिशा से मिलने को लौट आया, हाँ, और उसको बतला, एलिशा से मिलने लौट आया, उसे बता दिया लड़का नहीं जाएगा, लड़का नहीं जाएगा। हालेलुया। लड़का क्या हुआ? नहीं जाएगा। अब वो सोच सकते कि अब तो मेरा बेटा मर गया, मेरा बच्चा खत्म हो गया। हाँ आगे। जब एलिशा घर में आया, जब एलिशा घर में आया, जब प्रभु का दास घर में आया, जब प्रॉफिट घर में आया, जब मैन ऑफ गॉड घर में आया, हाँ, तब क्या देखा कि लड़का मरा हुआ, लड़का मरा हुआ है, लड़का मर गया है। उसने क्या देखा? हाँ, उसकी खाट पर पड़ा है, उसकी खाट पर पड़ा है लड़का। हाँ आगे। तब उसने अकेले, देखो जब एलिशा घर में आया, तब उसने क्या देखा कि लड़का जहाँ एलिशा सोता था, जहाँ एलिशा लेटा था, तब वो उसकी खाट पे लेटा हुआ मरा हुआ पड़ा है ना। आगे पढ़िए।
तब उसने अकेले भीतर जाकर सबको भेज दिया बाहर, और भीतर जाकर घुटने पे आकर द्वार बंद करी। हाँ, और यहोवा से प्रार्थना करी, परमेश्वर से प्रार्थना करी। किससे प्रार्थना करी? जब हमें कुछ सुनाई नहीं देता, कुछ दिखाई नहीं देता, तो हमें किससे? हमारा भरोसा परमेश्वर पे होना चाहिए। हालेलुया। वो मैन ऑफ गॉड ने किससे प्रार्थना करी? परमेश्वर के दास ने किससे प्रार्थना करी? उस परमेश्वर के दास ने परमेश्वर से प्रार्थना करी, जिसने उसको भेजा है, जिसने उसे नियुक्त किया है, जिसने उसको प्रॉफिट बनाया, जिसने उसको मैन ऑफ गॉड बनाया है, जिसने उसके घर में भेजा है, उसको किसने? उसने परमेश्वर से प्रार्थना करी। हाँ, तब वह चढ़कर लड़के पर तब उसने अकेले भीतर जाकर द्वार बंद किया और यहोवा से प्रार्थना की। तब वह चढ़कर लड़के पर इस रीति से लेट गया कि अपना मुंह उसके मुंह से अपनी सांस उसकी सांस। हाँ, और अपनी आंखें उसकी आंखों से अपनी आंखें। उसके मुंह में क्या थी? परमेश्वर की फायर थी। हालेलुया। उसके मुंह में क्या थी? शंदरी खाली। उसके मुंह में परमेश्वर की आग थी। हालेलुया। हाँ, आगे, और अपने हाथ उसके हाथों से मिला दिए। एक मिनट, वापस से पढ़ना पूरा स्टार्टिंग से। तब वह चढ़कर लड़के पर इस रीति से लेट गया कि अपना मुंह उसके मुंह से और अपनी आंखें उसकी आंखों से और अपने हाथ उसके हाथों से मिला दिया। हालेलुया। अपनी आंखें उसकी आंखों से। उसकी आंखों में क्या थी? एलिशा की आंखों में ज्योति थी, एलिशा की आंखों में लाइट थी, एलिशा की आंखों में चमक थी, एलिशा की आंख परमेश्वर की आंख थी, एलिशा से बात करता था परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। उसकी सांस जो थी, उसका जो मुंह था, उसके अंदर फायर थी। उसके हाथ थे, वो अनॉइंटेड हाथ थे, सामर्थ्य हाथ थे, एक मैन ऑफ गॉड के हाथ थे। हालेलुया। हाँ, आगे, और वह लड़के पर पसर गया। तब लड़के की देह गर्म होने लगी। वो जहाँ ठंडा हो गया था ना लड़का, वो फायर, उसके मुंह में फायर थी तो गर्म होने लगा। परमेश्वर की आग आई, परमेश्वर की उपस्थिति आई, परमेश्वर की प्रेजेंस आई। हालेलुया। शायद कुछ देर के लिए खत्म हो गया था सब कुछ, लेकिन ये शैतान का लक्षण था, ये शैतान के झूठे लक्षण। तो शैतान आपकी लाइफ में हर दिन दिखा सकता है, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ये मेरे कल नहीं हो सकता, मेरा बेटा चंगा नहीं हो सकता, मेरा बेटा हील नहीं हो सकता, कैंसर नहीं जा सकता, टीबी नहीं जा सकती, बीमारी नहीं जा सकता। ये शैतान दिखाता है, ये डेविल दिखाता है, और हमको परमेश्वर टेस्ट करता है, क्या ये शैतान की बात मान रहे या मेरी बात? बुद्धिमान स्त्री में इस कमसन, इस समस्या में, इस कंडीशन में उसने नेगेटिव बातें नहीं बोली, कुछ भी बात नहीं बोली। उसने अपने बेटे को परमेश्वर के हाथ में दे दिया, उसने अपने बेटे को परमेश्वर के दास के हाथ में दे दिया। हालेलुया। और उसका रूम पूरा यीशु के लहू के बाड़ा जैसा था, यीशु के लहू से कवर था। परमेश्वर वहाँ रहता था, परमेश्वर से वहाँ बातचीत होती थी, वहाँ पे उसकी आँख में देखी ऐसे करके ज्योति, उसका मुंह उसके मुंह में फायर डाली। हालेलुया। उसके हाथ अनॉइंटेड हाथ, जिस पे वो हाथ रखता था वो चंगे हो जाते थे, वो हील हो जाते थे, वो सब कुछ हो जाता था। हालेलुया। हाँ, हाथ उसके हाथ से मिला दिए और वह लड़के पर पसर गया। तब लड़के देख गर्म, उसका गर्म होने लगा। मर जाते तब क्या होता? ठंडे हो जाते, लेकिन क्या होगा? फायर आने लगी, कुछ तो होने लगा। अभी परिस्थिति सब बेकार दिख रही थी, अब कुछ नहीं होने वाला है, अब सब कुछ खत्म हो गया। एक बहन का मेरे पास फोन आया था, बच्चा मर गया, वो ऐसा बोल रही है, अरे बहन सब कुछ उजड़ गया, अब तो हम बर्बाद हो गए, अब तो हम लुट गए, हमारा बच्चा मर गया, उसने यहाँ पे क्या बोला, उसने यहाँ पे नेगेटिव बात बोली, उसने यहाँ पे शैतान की बात बोली, उसने शैतान की बातें कंसीव करी। मैं आपको बताऊंगी, एक बहन थी जो मुझसे बात करती थी, उसकी डिलीवरी होने वाली थी। वो बहन बोली कि मैडम डॉक्टर ने बोला है ऑपरेशन। मैंने बोला बहन डॉक्टर की बात को कैंसिल करना है, मेरे परमेश्वर ने नॉर्मल डिलीवरी बोली है। फिर नॉर्मल डिलीवरी हो गई, बच्चे की सांस बंद हो गई, बच्चा नीला पड़ गया, बच्चे की सांस लेने में दिक्कत हो गई। मैंने बोला बहन डॉक्टर की बात को कैंसिल करना है। वो बहन बोली बहन डॉक्टर ने अबनॉर्मल बेबी बोला है। मैंने बहन जो परमेश्वर ने बेबी दिया, जो परमेश्वर ने 9 महीने संभाला, वो नॉर्मल डिलीवरी दे सकता है, वो बच्चे को ला सकता है। तो वो बच्चे की हर एक डॉक्टर ने जो बोला है वो
कैंसिल करो। उस बहन ने कैंसिल करी, उस बहन ने मेरी बात मानी, फिर बच्चे का वेट नहीं बढ़ रहा था, फिर मैंने बोला बहन वेट भी बढ़ेगा, वो बच्चा फीडिंग नहीं कर रहा था, फीडिंग कर रहा था, वहां पे सारे लोग बोल रहे ये बच्चा अब नॉर्मल हुआ। मैंने बोला डॉक्टर की हर एक बातों को, पहले डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला, ऑपरेशन कैंसिल हो गया, नॉर्मल हो गया, आज वो बच्चा कम से कम 2-2.5 महीने का है। किसने दिया? जो परमेश्वर हमको बेबी देगा, जो परमेश्वर हमको बच्चा देगा, वो कैसा बच्चा रहेगा? वो ब्लेस्ड बेबी रहेगा, वो अनॉइंटेड बेबी रहेगा, वो आशीष बेबी रहेगा। हालेलुया। आज काफी लोग डॉक्टर की बात मानकर, नर्सेस की बात मानकर रिसीव कर ले, हाँ डॉक्टर ने बोला है। मैं बोलूंगी डॉक्टर को भगवान मत मानो, डॉक्टर को गॉड मत मानो, वो गॉड ही है, परमेश्वर ही है जो डॉक्टर को बनाया है। हालेलुया। आज कितने सारे लोग हैं जो बोलते नहीं, डॉक्टर ने जो बोल दिया उसके बस लकीर हो गई, डॉक्टर ने बोल दिया। यहाँ पे प्रभु का दास कुछ बोल रहा है, परमेश्वर की दासी कुछ बोल रही, वो बात नहीं मान रहा, पर डॉक्टर ने बोल दिया डायबिटीज से, तो अब हमें पूरी जिंदगी दवाई लेना है। अरे यहाँ पे वचन में लिखा है यीशु के कोड़े खाने से आप चंगे हो जाएंगे, आप फील हो जाएंगे। हालेलुया। यीशु ने आपके लिए सब कुछ दे दिया, सब बलिदान कर दिया, उसने आपके लिए मार खाए, उसने आपके लिए कोड़े खाए, उसने आपके लिए बलिदान, सब कुछ बलिदान कर दिया ताकि आप अच्छे, वो आपके लिए गरीब बना ताकि आप धनी हो जाए। उसने आपके लिए कोड़े खाए ताकि आपको स्ट्रगल नहीं हो, आपको समस्या नहीं हो। उसने दुख उठाया, दुख उठा के भी उसने आज्ञा मानने से की, किसके लिए? आपके लिए, मेरे लिए। यहाँ पे ये लेडीज क्या, ये जो व्यक्ति थी, जो स्त्री थी, बुद्धिमान थी, वो दुख उठा रही थी, वो सोच रही अब मेरे बच्चे को क्या होगा, एलिशा आएगा, एलिशा के दास से तो नहीं हुआ, अब एलिशा गया है क्या होगा। उसने अपने बच्चों को पूरी तरह से परमेश्वर के दास के पास और परमेश्वर के पास क्या कर दिया, सौंप दिया। अब वो बार बार आके खटखटा सकती थी, लेकिन नहीं, आज डिस्टर्ब करते ना हम बार बार जब प्रभु के दास प्रार्थना करते, खटखटा दे, हो रहा कि नहीं हो रहा, हो रहा कि नहीं हो रहा। उसने नहीं खटखटा, उसने परेशान नहीं करा, वो एकांत में गया, उसने प्रार्थना करी। ऐसी प्रार्थना नहीं करी उसने, आधा घंटा 15 मिनट कर ली, नहीं, उसने कम से कम 2-3 घंटा। आज हमें खुद को ही परमेश्वर की उपस्थिति आने में 2-2.5 घंटा लगता है, तो सोचिए उसने भी कम से कम 4-6 घंटा प्रार्थना करी होगी। हालेलुया। फिर प्रार्थना करी होगी, फिर प्रार्थना, फिर परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने उसको बोला होगा तू ऐसा कर फिर वैसा कर। आज हम तो बोलते हैं बस बोल दे, अरे परमेश्वर भी तो बोलना चाहिए उनको। हालेलुया। अब आपका मन कोई और लगा रहेगा, फिर आपके बच्चे कैसे हील होंगे। हालेलुया। एक बुद्धिमान स्त्री, बुद्धि की बात है, उसने कोई डिस्टर्ब नहीं करा, उसने प्रभु के हाथ में सौंप दिया। उसको पता था कि मेरे बच्चे को परमेश्वर चंगा करेगा, मेरे बच्चे को परमेश्वर हील करेगा, मेरे बच्चे को परमेश्वर की दास के द्वारा हो सब कुछ होगा। हालेलुया। मर गई थी परिस्थिति, लेकिन जिंदा हुई है। हाँ पढ़िए आगे। वो लड़के पर पसर गया। हाँ। तब लड़के की देह गर्म होने लगी। हाँ। तब उसे छोड़कर घर में इधर उधर टहलने लगा। वो गर्म हो गया, क्या हो गया, बुखार जैसा फीलिंग होने लगी, बुखार आने लग गया। हाँ। और फिर चढ़कर लड़के पर पसर गया। ये जो गर्म था ना, ये परमेश्वर जीवन आया था उसके अंदर, क्या आया था, ये जीवन आया था। हाँ वापस से पढ़िए। तो वो उसे छोड़कर हाँ घर में इधर उधर टहलने लगा। हाँ। और फिर चढ़कर लड़के पर पसर गया। तब लड़के ने सात बार छींका। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, पांच बार नहीं, लेकिन कितनी बार, 7 बार छींका। हालेलुया। हालेलुया। कितनी बार छींका 7 बार, 7 बार छींका। हाँ। और अपनी आंखें खोली। हालेलुया। उसने आंखें खोल दी, उसने मैन ऑफ गॉड की प्रार्थना को सुन लिया, क्योंकि वो पवित्र आत्मा की गाइडेंस है, परमेश्वर गाइडेंस है, वो प्रार्थना कर रहा था, उसका बच्चा चंगा होना ही था, ये मिरेकल उसके घर में होना ही था। परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। आज आपने सोच दिया मेरा पति नहीं आ सकता, मेरी पत्नी नहीं आ सकती, मेरे बच्चों को कैंसर नहीं जा सकता, एड्स नहीं जा सकता, बीमारी नहीं जा सकती, वो आपके लिए नहीं जा सकती है, लेकिन मेरे परमेश्वर के लिए वो सब कुछ कर सकता है। यहाँ पे असंभव को संभव करा, वो 7 बार छींका, फिर क्या हुआ, उसके बच्चे की क्या आंखें खुल गई। पढ़िए आगे। आंखें खोली। तब एलिशा ने गेहजी को बुलाकर कहा। वो प्रार्थना कर रहा था, गेहजी उसके साथ नहीं था, वो अकेला एकांत में था। जब तुम प्रार्थना करो किसी विषय को लेके, तो गुप्त में जाके प्रार्थना करो, मोहल्ले को इकट्ठा मत करो, अपने पास में प्रार्थना करो, अपने एकांत में समय बिताओ।
हमें ज्यादा समय परमेश्वर के पास बिताना है। ऐसा नहीं मम्मी बैठ गई पास में, पापा बैठ गए पास में, सब बैठ गए हम प्रार्थना कर रहे हैं। जिनके छोटे बच्चे हैं उनका मैं समझ सकती हूँ कि 2 साल के बच्चे को लेकर आप प्रार्थना कर सकते हैं, 4 साल के बच्चे को लेकर आप प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके बिगड़ नहीं रहेंगे या संभालने वाले हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन हम जब प्रार्थना करें हमें गुप्त में प्रार्थना करना है, परमेश्वर भी गुप्त में रिवॉर्ड देगा। हालेलुया। चंद्रिका, हाँ पढ़िए। तब एलिशा ने गेहजी को बुलाकर कहा सुनेमिन को बुला ले। वो स्त्री को बुला जिसका बेटा मर गया था। हालेलुया, उसने मिरेकल दिखा दिया, उसने चमत्कार हो गया उसके घर में। जब आप, हाँ पढ़िए आगे। जब उसके बुलाने से, हाँ वो उसके पास आई। जब वो बुलाने पे, जब उसने बुलाया तब वो उसके पास आई, पहले नहीं। अरे जिंदा हुआ कि नहीं हुआ मेरा बच्चा, परेशान नहीं करा उसने एलिशा को। वो गुप्त में प्रार्थना कर रहा था उसके बच्चे के लिए, विषय को लेके। हाँ तब उसने कहा, हाँ अपने बेटे को उठा ले, वो जिंदा हो गया, तेरे घर में चमत्कार आया, तेरे घर में मिरेकल आया है। हाँ वो भीतर गई और उसके पाँव पर गिर कर धन्यवाद करा उसने कि मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, मैं तेरी तारीफ करती हूँ, तूने मेरे बच्चे को चंगा करा है, तूने मेरे बच्चे को शिफा किया है, तूने मेरे बच्चे को बीमारी से आजाद कर दिया है। किसने चंगा करा? मैन ऑफ गॉड के द्वारा चंगे होते हम। हालेलुया। कभी ये मत सोचो कि मैं अपनी सामर्थ्य से, मैं अपनी प्रार्थना से, जब तक आपके लाइफ में मैन ऑफ गॉड का हाथ है आप चंगे होते रहेंगे। जिस दिन आपके लाइफ में परमेश्वर का हाथ, मैन ऑफ गॉड का हाथ हट जाएगा, हर एक चीज आपको अशांति लगेगी। कुछ तो मेरे जीवन से गया, कुछ तो मेरे परिवार से गया, कुछ तो मेरा चमत्कार चला गया। उसने फिर भी, आज हमें यह नहीं सोचना मैं अपनी सामर्थ्य से चंगी हुई। परमेश्वर जब तक आपको चंगा नहीं करेगा, परमेश्वर के दास के द्वारा आप चंगे होते हैं, जब भी आप चंगे होते हैं। हालेलुया। मैं भीतर गई और उसके पांव पर गिरकर धन्यवाद करा उसने। हाँ फिर अपने बेटे को उठाकर निकल गई। नहीं, उसके पांव पर गिर भूमि पर झुककर दंडवत करा। उसके पांव पर गिर पड़ी और भूमि पर झुककर, जो कभी डॉक्टर नहीं कर सकते, जो कभी साइंटिस्ट नहीं कर सकते, जो कि एस्ट्रोनॉट नहीं कर सकते, जो कोई नहीं कर सकता, वो एलिशा प्रॉफिट, वो मैन ऑफ गॉड ने कर दिया। क्योंकि बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। उसने किसको दंडवत करा? परमेश्वर के दास को दंडवत करा। उसने परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि तूने मेरे बच्चे को चंगा किया, तूने मेरे बच्चे को शिफा दी, तूने मेरे बच्चे को चंगाई दी है, असंभव को संभव करा है। बुद्धिमान स्त्री मर गया था, ऐसी कंडीशन में हम कहाँ जाते? हॉस्पिटल नहीं गई, उसका विश्वास था। यदि आज आप विश्वास करते तो आप मेरे कल को देखेंगे, आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। हाँ आगे। फिर अपने बेटे को, हाँ उठाकर निकल गई। अपने बेटे को उठाकर क्या करी? चली गई वो। हालेलुया, उसने धन्यवाद दिया। ऐसा नहीं है प्रार्थना हो गए, चमत्कार हो गए, मिरेकल हो गए, निकल गए। एक कहावत बोलते थे, मसीह भाई खाए फिर किसके, प्रार्थना किए निकले। ऐसा काफ़ी लोग करते कि उनके प्रार्थना का काम हो गया। एक कहावत बोलते थे मसीह लोगों में, मसीह भाई खाए फिए और किसके। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें बने रहना है वचन में, हमें धन्यवाद देना है। हमारे जीवन में कोई मिरेकल होता है, हमारे जीवन में कुछ चमत्कार होता है तो आज हमें धन्यवाद देना है। ये स्त्री ने क्या दिया था अपने, उसने अपना बेस्ट, उसने अपना रूम दिया था, उसने रोटी दी थी, उसने पानी दिया था, ये रिवॉर्ड उसको परमेश्वर ने दिया। उसके घर में उसका बच्चा जा सकता था, मर सकता था। अगर आपको लग रहा है कि मेरा बेटा चंगा हो गया, मेरी बेटी चंगी हो गई हो, मैंने कुछ नहीं करा, आज सब करना स्टार्ट करिए। अपने हाथों को बढ़ाइए परमेश्वर के काम के लिए, परमेश्वर के काम के लिए, परमेश्वर के घर के लिए, परमेश्वर के परिवार के लिए। बोलूं आपकी मूर्ति परिस्थिति जिंदा हो जाएगी। शायद आज आपका पति, मैं देख रही हूं आज, अगर आपका पति गलत कामों में था पहले और गलत काम से जेल में चला गया, वो वापस आ जाएगा। मैं बोल रही हूँ रिसीव करें हर एक चीज। परमेश्वर बुद्धिमान स्त्री क्या है, अपने घर को बनाती है, नहीं टूटा उसका घर, उसका पति भी उसके साथ रहा, उसकी वो खुद भी और उसका बच्चा भी नहीं मरा। बन गए ना, गए पति अलग हो गया उससे, बच्चों की वजह से नहीं,
काफी लोगों का देखा है कि बच्चा मर गया तो बोले तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा मरा, क्या होते अलग हो जाते, नहीं पति भी उसके साथ है, बच्चा भी उसके साथ है, उसका घर बन गया। बुद्धिमान स्त्री अपने घर को, अपने परिवार को क्या करती है, बनाती है। वो ब्लेस थी, वो परमेश्वर विश्वास करने वाली थी। मैं आपको बताऊंगी उसने क्या किया था, उसने परमेश्वर के दास का आदर किया था, रिस्पेक्ट किया था, खाना खिलाती थी, उसके लिए घर बनाया, उसके लिए चेयर, उसके लिए बेड, उसके लिए हर एक अच्छी लग्जरी लाइफ, हर एक लग्जरी रूम बनाया। हालेलुया, उसने परमेश्वर के दास के बारे, जब आप परमेश्वर के दास के बारे में सोचते, परमेश्वर का दास आपके बारे में सोचता और परमेश्वर आपको रिवॉर्ड दे और परमेश्वर आपके बारे में सोचता। हालेलुया, मैंने आज आपको बता दिया है थर्ड पार्ट बुद्धिमान स्त्री का, कि आज हमें कैसे बनना है, आज हमें किसका भरोसा रखना है। मैंने बताया आपको एलिशा में से, हालेलुया, प्रॉफिट। आज हम वचन नहीं सुनते, हम प्रार्थना करने आ जाते, जब लाइफ ख़त्म हो जाता तब हम प्रेयर रिक्वेस्ट डालते और प्रार्थना करते। परमेश्वर कभी प्रेयर, कभी आपको चंगा नहीं करेगा, कभी आज़ाद नहीं करेगा। आप उसी परिस्थिति में लंबे समय तक ट्रैवलिंग करते जाएंगे, ट्रैवल। कभी जब तक आप वचन नहीं सुनोगे, वचन आज़ाद करता है, वचन शिफा। कितने लोग हैं जो वचन के समय नहीं आते, वो आखिरी की प्रेयर रिक्वेस्ट में आते हैं। मैं बोलूँ कभी चंगे नहीं हो जाएंगे। यहाँ पे ये भय मानती थी, आदर रिस्पेक्ट करती, एलिशा की हर एक बात मानती, सबमिशन में। आज हमें सबमिशन में रहना, आज हमें आज्ञाकारी में रहना है। उसका घर था लेकिन फिर भी वो कैसे आती थी, उसका घर था, वो हेड थी, वो मालकिन थी, लेकिन नहीं, वो मालकिन बन के नहीं आती थी, वो क्या बन के आती थी, नहीं मेरे घर में प्रभु का दास है। हाँ बोलिए, हालेलुया। इसी वचन के साथ परमेश्वर आपको आशीषित करे, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। मैं आपको एक बार और बता देती हूँ, उसने फोर्स करा खाना खाने के लिए। क्या करना है हमें प्रभु के दास को, अगर वो मना करे तो हमें फोर्स करना है, विवश करना है, हमें फॉर्मिलिटी नहीं निभाना है। ये हमारे लिए आदर की बात है, वो हमारे घर में आए, अगर हमारे घर में आना जाना हो रहा है, रुक रहे, तो ये हमारे लिए आदर की बात है। फिर उसने उसके लिए घर बनाया, हालेलुया, उसके लिए चेयर, उसके लिए हर एक अच्छी वस्तु बनाई, हालेलुया। फिर प्रभु के दास, जब हम ऐसा करते तो प्रभु के दास हमारे बारे में सोचते कि मैं इसके लिए क्या करूँ। फिर उसके सेवक ने बोला इसको बच्चा नहीं, फिर उसको बच्चा हुआ, मिरेकल हुआ उसके जीवन में, फिर उसको बच्चा हुआ, फिर उसका बच्चा मर गया, फिर एलिशा के द्वारा उसका बच्चा जिंदा हो गया, हालेलुया। बहुत सारा उसने, जब बच्चा मर गया तब भी उसने बोला मैं ठीक हूँ, मैं अच्छी हूँ, हालेलुया। इस परिस्थिति में उसका विश्वास, मैं बोलूँगी ये वाला मैसेज आप दो बार सुनिए, आज ये आपका होमवर्क है, आपको दो बार सुनना है। इसी वचन के साथ परमेश्वर आपको आशीषित करे, परमेश्वर आपको ब्लेस करे।